सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपका कीमती समय हम सभी को दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस पे धन्यवाद की कोई बात नहीं, ये तो हम सबकी ड्यूटी है। इस हाँ युद्ध ये में सारी गवर्नमेंट और सारा मीडिया एक तरफ अगर खड़ा हो और इंफॉर्मेशन ना पहुंच पाए आम आदमी तक, कैसे कोई रिएक्ट करेगा? तो जो है सबकी ड्यूटी है। नहीं, मैंने आपको वो बहुत ही जो एक मास्टर में यूनिकनेस होती है वो आपने देखी, कि जैसे मैंने आपको फर्स्ट टाइम कहा कि सर मुझे आपसे मीटिंग करवानी है मदद ग्रुप के लिए, तो आपने तुरंत ही हाँ कह दिया। फिर कल मैं मीटिंग ले रहा था, कल रात को मैंने आपसे बातचीत की, तो आप तुरंत ही रेडी हुई। वो आपको बता, एक यूनिक क्वालिटी जो है एक दिखनी चाहिए आपको, वो मुझे देखी, वो वाकई काबिल तारीफ है सर। मैं तो कहता हूँ ये हम सबकी ड्यूटी है। बिल्कुल नहीं, मैं थैंक यू थैंक यू। तो सभी मास्टर जो हमारे सोल ग्रुप हैं, ठीक है, ये सब हमारे सोल ग्रुप हैं, इसमें हम रेकी सीखे हुए हैं, मेडिटेशन है, ठीक है, एंजल थेरापी, क्रिस्टल थेरापी, और दूसरी हम जो स्पिरिचुअल बुक्स है वो पढ़ते हैं, और हम सब डिस्कशन करते हैं एक दूसरे के साथ रेगुलरली। मंथ में 2 बार हम मिलते हैं गूगल मीट पर, और स्पिरिचुअलिटी की बातें हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो आप सभी जो सोल ग्रुप्स हैं, ये हमारे प्रवीण सर हैं, ठीक है, हमारे फ्राइडे के मास्टर हैं, मैं इनके टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ा हुआ था, और उनके बहुत सारे वीडियो देखने के बाद ही मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो है, जो मैंने खुद भी फील किया था, और मैं थोड़ा थोड़ा तो जानता ही था, इसलिए बहुत डीप में मैंने इनको जाना। और आप लोगों को भी मैंने पिछली मीटिंग में बताया था फ्राइडे के बारे में, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में, तो आज हम उनसे डिटेल में जानेंगे, ठीक है। देखिए, हमारे यहाँ ग्रुप में जो डिस्कशन हो रहा है उसका कोई मीनिंग ऐसा नहीं कि हम किसी प्रकार का डर क्रिएट कर रहे हैं, हम एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए फ्यूचर में जो कुछ होने वाला है, ठीक है, तो उसके अगर हमको पता है तो हम अवेयर रहेंगे और उसकी चिंता नहीं होगी, हमें डर नहीं लगेगा, ठीक है। इस ग्रुप का मीनिंग यही है कि हम एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए किसी को किसी प्रकार का डर अपने मन में रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले और हसमुख जी मास्टर ने प्रवीण सर, बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है कि डरना नहीं है। डरना बहुत लोअर फ्रीक्वेंसी है, बहुत लोअर वाइब्रेशन है, और आने वाले समय में जो कुछ होने वाला है अगर हम पहले से जानेंगे तो नहीं डरेंगे, नहीं तो अचानक जो कुछ होगा वो ही डराएगा। यही हमारा उद्देश्य है, बिना डरे अपने आप को तैयार करना। हाँ, यही मेन उद्देश्य है हमारा इस डिस्कशन का। तो सबसे पहले प्रवीण सर, आप अपने बारे में, तो मैं तो जानता हूँ, लेकिन हमारे जो मेंबर है ग्रुप, उसके बाद आपके लिए थोड़ा डिटेल में बताएंगे आपके बारे में। देखिए, बहुत साधारण सी मेरी जिंदगी थी। इंडिया में बैंक में मैनेजर था, कंप्यूटर प्रोग्रामर बन के जर्मनी में आया, और 2008 में जब अर्थ की फ्रीक्वेंसी चेंज होनी हुई शुरू हुई तो बहुत सारे लोगों के स्पिरिचुअल इंटरेस्ट शुरू हुए, जैसे आप लोग भी जो ग्रुप में हैं। नॉर्मल लाइफ से कहीं 2008, 10, 12 ऑनवर्ड्स इस स्पिरिचुअलिटी में सब लोग आने शुरू हो गए। तो जब बहुत तेज लगन लगी तो मैंने सब जगह, इंडिया में जितनी फेमस जगह हैं सब जगह गया, बिहार स्कूल ऑफ योगा, क्रिया योग, योगानंद जी का आश्रम, सदगुरु जग्गी वासुदेव एंड सो ऑन, विपासना। इस तरह मेरी जर्नी शुरू हुई, और जो मेरी किस्मत अच्छी थी कि जर्मनी में हमारे क्रिया योग का एक ग्रुप था, उसमें मैं रेगुलर मेडिटेशन करते थे। उसमें जैसे सोल फैमिली आप लोग की है वो हमारी सोल फैमिली बनी। उसमें मैं जापान की एक लेडी से मिला जिन्होंने मुझे बड़ा प्रभावित किया। मेरी तरह ही वो साधना करती थी लेकिन सारे ग्रुप में अलग थी उनकी। मैं हमेशा सोचता था कि ये लेडी में बहुत पोटेंशियल है, ये कभी एनलाइटेंड होंगी, क्योंकि उनकी सिंसियरिटी, उनका सोच। मैं उनसे पूछता था कि आप कैसे रेगुलर मेडिटेशन कर पाते हो, मैं तो कभी करता हूँ कभी छूट जाता है। तो उन्होंने कहा इसमें क्या दिक्कत है, मैं उस दिन खाना नहीं खाती, खाना छोड़ देती हूँ अगर टाइम कम होता है तो। उनका 3 स्टार होटल है, 2 लड़कियां हैं, पूरा नॉर्मल परिवार की जिंदगी के बावजूद उनकी जो एनलाइटमेंट हुआ, मैंने उनको एनलाइटमेंट होते हुए देखा, एक एक्सपीरियंस देखा कि कैसे कोई एनलाइटेंट होता है। उन्होंने मुझे फिर ये बताना शुरू किया कि अर्थ पे क्या होने वाला है। उन्होंने मुझे पहले से ही बताना शुरू कर दिया था 2019 में जो ड्रामा शुरू हुआ है, ये ड्रामा हम पहले से जानते थे कि कुछ होने वाला है। अर्थ की फ्रीक्वेंसी रेज हो रही है, नेक्स्ट डायमेंशन में जाने के लिए ह्यूमन कॉन्शियसनेस रेडी हो रही है, ये वो जानती हैं, और वो जानती थी इस मिशन से वो धरती पे पैदा हुई है।
उनकी वजह से मैं इस तरफ आना शुरू हुआ। तो ये छोटा सा मेरा मेरी बैकग्राउंड इस बारे में, इस तरह में आया। तो ये जो आपने 5D के बारे में जाना, तो फिर इसके बाद आपने क्या किया 5D के बारे में जानने के लिए, और क्या क्या आपने कोई बुक्स पढ़ी या कुछ किसी गुरु से हमें जाना, क्या किया जानने के बाद? नहीं देखिए, 5D क्या है? 5D कोई बहुत एक्सेप्शनल चीज नहीं है। हम लोग इवॉल्व होते रहते हैं। मान लो हम अपनी इवोल्यूशन की थ्योरी को माने, जो अब तक हम मानते आए हैं कि मेटल और मिनरल्स की फॉर्म में हमारा जन्म हुआ, फिर हम पेड़ पौधे में आए वनस्पति जगत में, फिर जानवर बने और मनुष्य बने, और मनुष्य में भी कॉन्शियसली हम इवॉल्व होते रहते हैं। इस इवोल्यूशन में कभी कोई एक आदमी रियलाइज होके इसके बाहर जा पाता था, चेतना में जन्म मरण की साइकिल को तोड़ पाता था, तो हम बड़े उनकी बारे में सोचते थे, वो कितना बड़ा काम होता था। अब इस साइकिल में ब्रह्मांड की, हम पूरी पृथ्वी का इवोल्यूशन पॉसिबल है, एक पोटेंशियल है, क्योंकि एक साइकिल तो हम अर्थ की जानते हैं जो ईयरली साइकिल है, या कई और तरह की साइकिल होती है, दिन रात भी एक साइकिल है, पूरे साल की एक साइकिल है। ऐसे ही एक साइकिल और है जो सेंट्रल, जिसको हम सोलर सिस्टम कह सकते हैं, उसका हमारा सोलर सिस्टम एक पार्ट है, और वो ऑलमोस्ट 26,000 ईयर, 25,000 सम ईयर की उस साइकिल में हम एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां पे सेंट्रल सन से कोई भी बैरियर नहीं बीच में होता, सारे प्लेनेटरी अलाइनमेंट इस तरह होता है कि एनर्जी डायरेक्ट अर्थ पे आती है। ये थर्ड बार आ रही है अर्थ की, जब अर्थ में इवोल्यूशन, अर्थ की जो लाइफ है 75,000 ईयर पहले से लेकर अब तक, दो बार में बहुत कम लोग इवॉल्व हो पाए, मौका छूट गया क्योंकि इंफॉर्मेशन स्प्रेड नहीं हो पाई और हार्वेस्ट कम हुई, जिसको हम हार्वेस्ट कह सकते हैं कि फसल बहुत छोटी हुई। अब की बार बहुत बड़ा पोटेंशियल है, और इस पोटेंशियल को रोकने के लिए ही सारी डार्क फोर्स लगी है कि ये समय बीत जाए। आपके हिसाब से ये जो डार्क फोर्स है, उसमें कौन क्या क्या आता है, जैसे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आता है, ठीक है, उसके बारे में भी आप थोड़ा बताएंगे? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वन वर्ल्ड ऑर्डर, एजेंडा 2030, ये सारी एक ही बातें हैं, एक ही बात के अलग अलग नाम हैं। पूरी दुनिया को एक गवर्नमेंट कंट्रोल करे, एक शक्ति कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, और इसके लिए उन्होंने जो मार्केटिंग के लिए सुंदर शब्द बनाया है, उसको वो कहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक नया संसार। जबकि इतना गहरा और इतना खराब ये काम है कि अगर ह्यूमैनिटी में ये इम्प्लीमेंट हो गया, जिसके चांसेस कम है, अगर इम्प्लीमेंट हुआ तो ह्यूमैनिटी हमेशा के लिए गुलाम हो जाएगी, इसको वो वन वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने 2030 की टाइमलाइन सेट की हुई है, इसीलिए एजेंडा 2030 बोलते हैं। और ये कोई गुप्त नहीं है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट में आप जाके देख लो, उनका स्टेटमेंट है, यू विल ओ नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। हमसे सब चीजें छीन ली जाएंगी। इस समय मीटिंग चल रही है, नोकिया के चीफ ने बोला है कि 2030 तक 6G नेटवर्क के साथ हमारी बॉडी में स्मार्टफोन इनबिल्ट कर सकते हैं, स्मार्टफोन हमारे हाथ में नहीं होगा, हमारी बॉडी के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। अली बाबा के चीफ ने बोला है कि हम बहुत क्लोज हैं एक ऐसा सिस्टम डेवलप करने के लिए कि हम जो लोग जो भी कार्बन का कितना कंज्यूम करते हैं उसको ट्रैक कर सकते हैं पूरी ह्यूमैनिटी के ऊपर, सोशल क्रेडिट सिस्टम बन जाएंगे, पूरी ह्यूमैनिटी को कंट्रोल हो जाएगा, और हमारे देश से सदगुरु भी वहां पहुंचे हुए हैं। डार्क फोर्स इतनी डार्क है, ये हमेशा इनविजिबल है, हम सोचते हैं कि पॉलिटिकल डार्क फोर्स का हिस्सा है, नहीं, वो इस पायदान में बहुत ऊपर नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री भी, किसी भी देश के प्रधानमंत्री भी, जर्मनी में मैं रहता हूँ, यहाँ का भी सेम हाल है। जर्मनी में वैक्सीन को मैंडेटरी करने के लिए लॉ ला रहे हैं, जर्मनी के पड़ोसी देश में ऑस्ट्रिया में लॉ आ रहा है, और इंडिया में हम जानते हैं कि इस मानसून सेशन में पब्लिक हेल्थ बिल आ रहा है। अगर आपने ना पढ़ा हो, सब एक बार देखें, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हाँ, मैंने पढ़ा है। Yes. हम सब की जिम्मेदारी है अपनी पीढ़ी को बचाने के लिए, नई पीढ़ी खतरे में है, मानवता खतरे में है। आपने कहा सदगुरु वहां पे गए, वो क्या कहना चाहते थे आप? जो डार्क फोर्स के एजेंडा है, इसमें जैसे ये बात करते हैं कि हम ह्यूमैनिटी एनवायरनमेंट को खराब करती है, एनवायरनमेंट में डेंजर है, नदियां सूख रही हैं,
ये हमें ये इम्प्रेशन देना चाहते हैं, हमारे मन के अंदर ये भाव डालना चाहते हैं कि ह्यूमैनिटी को अगर कम किया जाए तो कोई बुराई नहीं है, अर्थ के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और पॉपुलेशन जरूरत से ज्यादा है और इसको हमें कंट्रोल करने के लिए ये भाव पैदा करते हैं। अगर सब ईश्वर के संतान है, हम सब सोल फैमिली में है, तो कौन ज्यादा है? ये रॉन्ग इम्प्रेशन है कि अर्थ पे पॉपुलेशन ज्यादा है। आप लोग को भी सुनने में कम लगेगा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। किसी भी प्लैनेट की पॉपुलेशन और उस प्लैनेट की टेक्नोलॉजी हैंड टू हैंड ग्रो करती है, हैंड टू हैंड पॉपुलेशन भी बढ़ती है और टेक्नोलॉजी भी ग्रो करती है। अर्थ की टेक्नोलॉजी डार्क फोर्स ने दबा ली, 1950 से ये स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं। जो नासा फोटो करती है वो सब फ्रॉड है, चांद पे वो तब नहीं गए थे, क्योंकि उसके बाद अगर चांद पे तब गए होते तो उससे अब तक कितने बार जा सकते थे, वो तो एक फेक फोटो उस समय पब्लिश कर दी। लेकिन चांद पे ह्यूमन जाते हैं, 8 मिनट का सिर्फ रास्ता है, पोर्टल के थ्रू ट्रेवल करते हैं और बहुत लोग अर्थ के लोग जाते हैं। ये सब हाँ जी 8 मिनट में सिर्फ पोर्टल से के थ्रू ट्रेवल करते हैं और अर्थ के लोग जाते हैं। और ये कैसे पता? क्योंकि जब ये चेंज होजेस हो रहे हैं तो कुछ डिस्क्लोजर्स हो रहे हैं, कुछ लोग डार्क फोर्स का डीप एजेंडा देखकर उन्होंने साइट चेंज की है, उसकी वजह से ये इंफॉर्मेशन आ रही है, नहीं तो ये इंफॉर्मेशन भी ह्यूमन के पास एक्सेस नहीं थी। बिल्कुल अलग तरह की दुनिया है, सारी टेक्नोलॉजी छुपी हुई है। मेडिबेड अवेलेबल है, हर तरह की हीलिंग, फिजिकल बॉडी की, इमोशनल बॉडी की, और सेल को रीजनरेट करना, सेल को बच्चे की स्टेज में पहुंचा देना, आदमी बूढ़ा ना हो, टेक्नोलॉजी अर्थ पे है। कोई ये नहीं है कि फिफ्थ डायमेंशन आएगा तब आएगी, ये सारी टेक्नोलॉजी है। तो इसीलिए इन्वायरमेंट इनका एक मुद्दा है, लोगों को बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को कम करने के लिए, उनके अंदर ये भाव डालने के लिए कि आप ओवर पॉपुलेटेड हो। तो सद्गुरु उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं उनसे पर्सनली मिला था, जब नया नया था, जानता नहीं था, सब जगह जाता था। मैं अपनी बेटी को उनके आश्रम में भेजना चाहता था, लेकिन कोरोना के समय में या नई एनर्जी में सब एक्सपोज हो गए, कोई नहीं छुप पाएगा, इस एनर्जी की काम है। और अगर टेक्नोलॉजी और हमें मिल जाएगी तो हम माइग्रेट कर जाएंगे। ब्रह्मांड अनंत है, इस अनंत ब्रह्मांड में किसी चीज की कमी नहीं है, सिर्फ हमें टेक्नोलॉजी छुपा के रखी हुई है। ये जो टेक्नोलॉजी आप बात कर रहे हैं, वो क्या हो सकता है फ्यूचर में बाहर आएगी? बहुत जल्दी बाहर आएगी, जिस दिन हम डार्क फोर्स से पहली बार ये जीत जाएंगे, सारी टेक्नोलॉजी बाहर आ जाएगी। सारी टेक्नोलॉजी क्योंकि रेडी है, ये नहीं है कि हमें इस पे रिसर्च करनी है, इन बिल्ट है, रेडी है, अवेलेबल है, सिर्फ उनसे हमें मुक्त होना है। पूरी ह्यूमनिटी जो है हील हो जाएगी, सारा मेडिकल सिस्टम फेल हो जाएगा, ये सारे आज के डॉक्टर हैं इनकी ये अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। मैं भी डॉक्टर हूँ। लेकिन खुशी की बात है ना, आप डॉक्टर बने थे तो शायद इस इच्छा से बने होंगे कि हम सिस्टम में लोगों को हील करें। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, और सिस्टम में इतनी जकड़न है, आप जानते हो डॉक्टरी सिस्टम में कितनी जकड़न है। इस समय में बोल नहीं सकते आप, अपनी अपनी ओपिनियन नहीं दे सकते। डॉक्टर बीआरसी को अरेस्ट करने की बात हो रही है, डॉक्टर तरुण कटारी को 3 जून को अरेस्ट करने की बात हो रही है। हाँ, मैंने सुना। तो कितनी जकड़न है इस सिस्टम की। डॉक्टर होना बुराई नहीं है, सिस्टम ने प्रोफेशन को हाइजेक किया। बहुत बैड बात है। ठीक है, तो ये जो डार्क फोर्स का जो एजेंडा है, तो फ्यूचर में क्या, किस तरह से वो हमें कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या उनका प्लानिंग बनाया हुआ है? 2002 में हवाई में एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में सारी टेक कंपनियों को बुलाया गया, जितनी बड़ी टेक कंपनी थी, यूएस गवर्नमेंट के अंडर में मीटिंग हुई, और उनको उन्होंने ये एजेंडा रखा कि क्या ह्यूमैनिटी के जो माइंड का, मुझे शब्द याद नहीं है, टेक्निकल अपर माइंड की लेयर से क्या हम पूरी ह्यूमैनिटी को कनेक्ट कर सकते हैं, एक नेटवर्क बना सकते हैं, कि हम उसमें एक थॉट दें और वो पूरा कलेक्टिव स्प्रेड हो जाए मैसेज। तो 2002 की मीटिंग का उन्होंने कहा कि 2035 तक हम इस पे काम करेंगे। दे अगेन मेट इन 2018 और उन्होंने कहा कि अब हम रेडी, अब हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हमारा फ्रेमवर्क रेडी है। 2019 में एक महामारी आ गई, उसके बाद ये सब काम शुरू हो गए, और अल्टीमेटली
ये उसी दिशा में धकेल रहे हैं जिस दिशा में हमारे शरीर के अंदर किसी तरह की कोई ना कोई चिप इम्प्लांट करना चाहते हैं। और वो चिप इम्प्लांट करने के बाद, जैसे मैंने कहा कि जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, मेडबेट अवेलेबल है, स्पेस में ट्रेवल अवेलेबल है, उसी तरह डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। ये डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी डार्क फोर का हिस्सा है, ये डिस्ट्रक्शन करना चाहती है, ह्यूमैनिटी को कंट्रोल करना चाहती है। तो ये ब्रेन के थ्रू करना चाहते हैं, चिप के थ्रू करना चाहते हैं। वो टेस्ला का वो नीरा लिंक वाला था वही। यस, तो टेस्ला वो का बंदर लेके सारे, यस, सारे बंदर मर गए, एक भी बंदर नहीं बचा, सारे मर गए। और इसके बावजूद भी करना चाहते हैं। और दुख की बात यह है कि इसको मार्केट करना बहुत आसान है। ह्यूमन के अहंकार, ह्यूमन को, ह्यूमन ईश्वर की संतान है लेकिन वो अपने आप को छोटा मानती है, वो सुपर ह्यूमन सोचती है, कोई सुपर ह्यूमन अच्छा होगा। उनको जरा सा भी लालच की एक चिप आपको ये चीज इंप्रूव कर सकती है, वो इस झांसे में आ सकती है। और मैं आपको बताऊं, कुवैत की लड़ाई में मेरे शायद आपने देखा होगा, मैंने वीडियो शेयर किया था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने बताया, कुवैत में जब वार हुई थी अमेरिका कुवैत की, तो वो वहां पे लड़ने के लिए कंपिटेंट नहीं थे, 50 डिग्री टेम्परेचर में उनको आदत नहीं थी, लाइफ जैकेट और सारे वेपन्स और उनके लेके वो हारने लगे। तो उन्होंने गॉड वाइज के नाम से वहां पे वाइब्रेशंस सेट की कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से लड़ रहा है, ये ब्रदरहुड के अगेंस्ट है और तुम्हें पाप पड़ेगा, तुम अपने हथियार सरेंडर कर दो। उन्होंने हथियार सरेंडर कर दिए। ब्रेन मैनिपुलेशन बहुत हद तक पॉसिबल है, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है। टेक्नोलॉजी तब थी जब कुवैत की लड़ाई हुई थी। और आप कभी भी देख लो, अब हम लोग मोबाइल को यूज करते हैं, आप कुछ बोलते हो उससे संबंधित एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, तो हम समझते हैं कोई बात नहीं, ये तो उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया होगा। मोबाइल के फोन में इसीलिए बैटरी अब रिप्लेसेबल नहीं है ताकि आप इसको स्विच ऑफ ना कर सको, अगर आप स्विच ऑफ रखते हो तो भी वो डेटा सेंड करता है। इसके बावजूद भी आप कभी कभी करके देखो, सिर्फ सोचो क्या वो एडवर्टाइजमेंट आती है। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, क्यों? क्योंकि ब्रेन की जो वेव्स हैं इसको भी मेजर किया जा सकता है। हमारे पास एक्सेस नहीं है लेकिन टेक फर्मा के पास है, हम बड़ी गंभीर स्थिति में। मैंने ये भी सुना है, स्वीडन में कोई कंपनी थी, उनके जो एम्प्लॉइज थे उनके इस तरह से हाथ में उन्होंने लगाई हुई थी। यस, कुछ मेरा वीडियो में अच्छा रहा। यस, और ये इतने तरीके से प्लान इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे स्वीडन ने इस सी वायरस पे काम नहीं किया, उसने कोई लॉकडाउन नहीं लगाया, तो सबने कहा स्वीडन बड़ा अच्छा देश है, सबसे पहले वहां पे ये लग गई। हर तरह से इंप्लीमेंट होती है, कहीं पे चौथी चल रही है, कहीं पे तीसरी चल रही है, वेव्स अलग अलग तरीके से बनाते हैं, अलग अलग तरीके से स्प्रेड करते हैं। डॉक्टर विलास जगदले, जो मैं उनके कई बार इंटरव्यू देखता था, तो वो उनके पास एक कोई वेव्स को नापने का मीटर है, बहुत सस्ता सा आता है, 2-2.5 हज़ार का है, वो हमेशा दिखाते थे, आज की रीडिंग ये है, अभी कुछ नहीं होगा। और एक दिन उन्होंने दिसंबर में बोला कि अब रीडिंग रेड हो गई, अब लॉकडाउन लगने वाला है, और इमीडिएटली लॉकडाउन लग गया। इट मीन्स कि ये कंट्रोल करते हैं। और अभी तो हम जाग जाएंगे तो हम रोक सकते हैं, अगर ह्यूमैनिटी का ब्रेन कंट्रोल हो गया। आप सोचो, सारी पुलिस, सारी मिलिट्री, सबको लगा दिया, इतने सारे लोग हैं, उनको कंपल्शन किया गया, एक प्लान के तहत। इस षड्यंत्र को सब जाने, जो भी सुन रहे हैं जाने, जान के हम रोक सकते हैं। आपके एक इंटरव्यू में मैंने एक बुक के बारे में, आप बुक बता रहे थे जो जर्मन लैंग्वेज में लिखी हुई थी, उसमें ये लिखा हुआ था, शायद वो 2011 की बुक थी, और उसमें लिखा हुआ था कि फ्यूचर में इस तरह का वायरस आएगा, तो ये जो पनीर टिक्का वाला है, ये ब्लूटूथ वाला है, वो सब आएगा। तो बुक के बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, उस बुक, वो बुक इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं हुई, नहीं तो मैं समझता था कि बहुतों के लिए काम आ सकती थी। वो जर्मन में थी, बहुत पॉपुलर नहीं थे, जर्मनी के पास ऑस्ट्रिया, हमारे बॉर्डर एक ही लगा हुआ है, दोनों छोटे देश हैं, तो ऑस्ट्रिया में उनको डिवाइन मैसेज चैनल के थ्रू मिलता था, तो वो चैनल की जो डेट वाइज उन्होंने ये बुक पब्लिश की। इस बुक का नाम था आउट ब्रूक इन गोल्डन साइट अल्टर, गोल्डन एरा में जो अर्थ जा रही है उसके पहले की घटना है, तो इस तरह का ट्रांसलेशन था। तो जब वो जब 2011-12 मैंने बुक मिली, तो बुक तो मैंने पढ़ी लेकिन ये हिस्सा मैंने स्किप हो गया होगा, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस सिर्फ उसको रिसीव करती है जो माइंड में असर करता है, ऐसे थोड़ी कोई करेगा इस तरह का विचार आके, मैंने वो स्किप कर दिया।
लेकिन जब होना शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में सेव था, दोबारा बुक ढूंढी, उसमें साफ लिखा था कि आपकी अपनी सरकार आपको कत्ल खाने की ओर धकेलेगी और आप जाओगे 2012 में। हमारे जो भी धरती पे घटनाएं होती हैं फिजिकल मैनिफेस्टेशन से पहले वो एस्टर वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होती है। इस एस्टर वर्ल्ड को जो लोग जागरूक हैं वो महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इसीलिए। और फिफ्थ डायमेंशन की रियलिटी भी क्रिएट हो गई है, जैसे मेरी गुरु देख सकती हैं, तो वो भी एक साइन है। युद्ध है लेकिन युद्ध के बाद जीत होगी। हाँ, वो तो कौरव और पांडव के बीच में लड़ाई तो हमेशा जीत पांडव की ही होती है। अब हमारे जो ये मेंबर्स, उनको 5D ये जो कॉन्सेप्ट, उसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझाए कि आखिरकार ये डायमेंशन होता क्या है। ठीक है, तो 5D क्या है, फर्स्ट डी, सेकंड डी, 3D, तो थोड़ा इजी लैंग्वेज में हमारे मेंबर्स को समझाएंगे, इजी देखिए लैंग्वेज में कि क्या कह सकते हैं 5D। समझाना इसको इसलिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है कि ये चेतना का एक स्तर है। हमने तो अपनी चेतना को अभी तक की अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से, अपने अभी तक की माइंड से, जो 7-8% या 10% जो भी है उससे इसको परसीव किया है, हम उतना ही जानते हैं। मान लीजिए ये 2 डायमेंशन है, इसमें लंबाई है और चौड़ाई है, ये 2 डायमेंशन है। थर्ड डायमेंशन में गहराई भी आ जाती है। तो अगर इस 2 डायमेंशन की चीज को मैं कहूं कि थर्ड डायमेंशन होती है, तो ये किसी भी तरह थर्ड डायमेंशन को समझने की कोशिश करेगा लेकिन समझ नहीं पाएगा क्योंकि इसकी इसकी क्षेत्र के बाहर है। इसीलिए फिफ्थ डायमेंशन जो है वो ह्यूमन चेतना के बाहर की चीज है। ह्यूमन चेतना अभी तक सेपरेशन में जीती है धरती पे, इसको इस तरह कंट्रोल किया हुआ है या इसकी प्लानिंग ऐसी की हुई है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, कास्ट के नाम पर, मैन एंड वुमेन, गोरा काला, अमीर गरीब, हायरार्की, गुरु शिष्य, हर तरह की यहाँ पे डिवाइड है, कॉपीराइट है। फिफ्थ डायमेंशन में एकता का एहसास है, सब एक हैं। हम अभी भी एक हैं लेकिन हम एक्सपीरियंस नहीं करते, हम फ्रैक्टल हैं, एक हैं लेकिन हम जो हमारा जीवन की शैली है वो इसके इससे भिन्न है, इससे अलग है, क्योंकि क्योंकि थर्ड डायमेंशन की रियलिटी इसी तरह की है। हम इसमें कोई कहता है कर्म के थ्रू इवॉल्व होते हैं, एक दूसरे का शोषण करते हैं, या ये इसके तरीके हैं इस थर्ड डायमेंशन में। फिफ्थ डायमेंशन इसके बियॉन्ड है। फिफ्थ मैं जो कहूंगा शायद आप लोग विरोध करेंगे मेरी पहली बात सुनते ही, ह्यूमैनिटी ने अभी तक प्रेम का अनुभव नहीं किया है। प्रेम फिफ्थ डायमेंशन में अनुभव करेंगे। जो हम प्रेम करते हैं अपने बच्चों को, परिवार को, दोस्तों को, ये प्रेम की बहुत छोटी फॉर्म है, ये थर्ड डायमेंशनल प्रेम यानी कि जो हम सिर्फ अपने बारे में या सिर्फ हमारी फैमिली के बारे में सोचते हैं तो वो थर्ड डायमेंशन में आ जाता है, लेकिन yes. जब हम पूरी ह्यूमैनिटी का सोचते हैं, सबको प्रेम करते हैं एक समान, तब वो 5D के समान हो जाता yes. और वो प्रेम अभी ह्यूमैनिटी ने नहीं किया है। है। और हाँ, उस नहीं प्रेम को ही किया। कबीर दास जी कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े वो पंडित हो। वो प्रेम हाँ वो कोई एक जान पाता था, अब पूरी ह्यूमैनिटी के लिए पोटेंशियल है। हाँ नहीं, सच्ची बात है। 5D की जब जाती है हमारी धरती, तो एक्चुअली क्या बदलाव क्या हो सकता है धरती हाँ एक ये भी पे, अच्छा और पॉइंट है। पूरी यस ह्यूमैनिटी, पूरी पूरी धरती पर क्या हो सकता है, और हम एज अ ह्यूमन हमारे अंदर क्या बदलाव, फिजिकली हो, मेंटली हो, या इमोशनली, या फाइनेंशियली। हम अभी तक जब 3D में थे तो ये पहला पॉइंट, अब अच्छा हुआ आपने पूछा तो मुझे याद आ गया। अब की बार इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहले 2 बार में जो छोटी हार्वेस्ट हुई थी उसमें कुछ लोग असेंड कर पाए थे, इस बार अर्थ खुद भी फिफ्थ डायमेंशन में असेंड कर रही है। पृथ्वी खुद असेंड करेगी, पृथ्वी असेंड करेगी, इसका मतलब पृथ्वी का जो जीवन है वो फिफ्थ डायमेंशन के अनुकूल हो जाएगा। अभी तो 3rd डायमेंशन के सुटेबल था, 3rd डायमेंशन की रियलिटी होती थी, पेड़ पौधे से लेकर नदियां, हवा, सब चीज। पेड़ पौधों में ऐसी लाइट दिखेगी सूक्ष्म जो अवतार पिक्चर जिन्होंने देखी है उसमें जिस तरह दिखते हैं, ऐसे हाँ चमक। बिल्कुल, हाँ ह्यूमन जो है अनंत जिएगा, हम अभी भी शाश्वत हैं, सिर्फ हमें बॉडी चेंज करनी पड़ती है, हम 3rd डायमेंशन से बाहर नहीं जा पाते। हम पैदा होते हैं,
मरते हैं फिर पैदा होते हैं, जो शाश्वतनेस है वो वहां पे फुल मैनिफेस्ट होगी। हम जिएंगे, हम शरीर छोड़ेंगे तो अपनी मर्जी से, और जब दोबारा शरीर में आएंगे तो फुल कॉन्शियसनेस के साथ। ये नहीं कि फिर बच्चा बन के किसी और परिवार में पुरानी सारी एक्सपीरियंस और बातों को भूल के। बीमार नहीं होंगे, सोशल सिस्टम अलग होंगे, मनी नहीं होगी, मनी से बांटने वाली कोई चीज नहीं होगी, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा। ये तो बहुत छोटी बातें, और भी बहुत कुछ है। हम पूरे ब्रह्मांड में विचरण करेंगे। अभी तक तो हम सोचते हैं कि पृथ्वी के बाहर जीवन ही नहीं है, ब्रह्मांड अनंत है, ये तो हमने सुन लिया क्योंकि किताबों में लिखा है, लेकिन पृथ्वी पे ही जीवन होगा और कहीं जीवन नहीं है, हम ये मानने को नहीं तैयार हैं। हम बाहर ब्रह्मांड के बाहर जीवन करेंगे, अनंत ब्रह्मांड को अनुभव करेंगे। यार मल्टी डायमेंशनल बीइंग, हम मल्टी डायमेंशनल बीइंग, और हमारी मल्टी डायमेंशनैलिटी तब तब वो हम उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। हम डिफरेंट डायमेंशन में आज भी फ्रैक्टल फॉर्म में, हम अगर पृथ्वी का हिस्सा है तो हम सोलर सिस्टम का भी हिस्सा है, गैलेक्सी का भी हिस्सा है, यूनिवर्स का भी हिस्सा है, लेकिन हम एक्सपीरियंस नहीं करते। हमारी मल्टी डायमेंशनैलिटी फुल होगी। हमारा डीएनए जिसको हम डॉक्टर कहते हैं कि आई डोंट नो, कहते हैं कि 10% हमारा यूज है, पहले आप डॉक्टर हैं आप बेटर बताएंगे, 90% जंक है, है ना। और उस 10% का जो है वो भी पता नहीं हम कितने परसेंट यूज करते हैं। हमारा डीएनए नए युग के लिए तैयार होगा, उसमें नई कॉन्शियसनेस उसमें एक्सपेंड होगी, तो हमारे परसेप्शन बदलेंगे। और जहां तक मुझे पता है हमारे अभी 5 सेंस ऑर्गन है वो 7 हो जाएंगे, 2 सेंस दो और एक्स्ट्रा जो है वो कौन से हो सकते हैं? डिवाइन मैसेज जो मेरी गुरु हैं उनको मिला कि जो 7th जो 6th सेंस, जो 6th सेंस श्री ऑर्गन है वो भी टच है, लेकिन ये वाला टच नहीं है, स्पर्श वाला, उसमें वो ब्रह्मांड के किसी भी हिस्से को महसूस कर सकती है। उन्होंने उन्होंने कहा शब्दों में बताना इतना ही संभव है। हाँ यही कैसे हम उसको शब्दों में समझा सकें कि किसी को भी चीज को ऐसे टच कर सकें, वाकई फ्राइडे की दुनिया देखने लायक थी। और उसकी खुशी हमारी जो मैग्नेटिक, हमारे हर्ट की जो फील्ड है वो क्रिएट करेगी। और इसमें ऐसा हो सकता है कि दुनिया का यानी कि डिस्ट्रक्शन होगा इस तरह से, या कुछ क्या होगा पृथ्वी का, कहीं पे डिस्ट्रक्शन हो जाएगा या कुछ? एग्जैक्टली आप समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जो पुरानी टाइमलाइन थी, जब भी युग परिवर्तन होता है, मान लो एक मकान है बहुत पुराना जर्जर और हमें वो रेनोवेट नहीं हो सकता और हमें उसको नया मकान बनाना पड़ता है, तो हमें उसको गिराना गिरा के नया मकान बनाना पड़ता है, तो कभी कभी जो मकान गिराने की प्रक्रिया है उसको देख के डर लगता है, जो लोग नहीं जानते कि इसके बाद क्या होगा, ये तो एक बात है। और पुरानी जिन लोगों ने टाइम लाइन देखी है, टाइम ट्रेवल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसे ह्यूमन नहीं करते इसलिए हमें कोई बहुत बड़ा चमत्कार लगता है, लेकिन 5th डायमेंशन में हम सब टाइम ट्रेवल करने में कॉम्पिटेंट हो जाएंगे कुछ समय के बाद, क्योंकि टाइम जो है लीनियर, थर्ड डायमेंशनल की एक, थर्ड डायमेंशन का एक नियम है कि यहाँ पे टाइम को हम सिर्फ लीनियर परसीव कर सकते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट मोमेंट जिसमें हम बात कर रहे हैं, और एक फ्यूचर टेंस। टाइम ऐसा नहीं है, टाइम को, स्पेस और टाइम एक ही चीज है, क्योंकि मान लो आप इंडिया में हो, मैं जर्मनी में हूँ, 8000 किलोमीटर का स्पेस है और इसके बीच में ट्रेवल करने के लिए टाइम है, जितनी भी स्पीड से करेंगे तो टाइम कम या ज्यादा हो सकता है, इसलिए भी टाइम मैनेजेबल है कौन सी स्पीड से हम करेंगे, और स्पेस है। हायर डायमेंशन में से पॉइंट ए और बी, इंडिया और जर्मनी, अगर ये लीनियर ना हो, इसको सर्कुलर करके एक दूसरे के सामने ले आए, ऐसे ही पोर्टल क्रिएट किए जाते हैं, क्योंकि वहां पे टाइम मैनेजेबल है। चांद और इंडिया का जो स्पेस है ये घटा के 8 मिनट में किया जा सकता है पोर्टल के थ्रू। हाँ वो ने आपने बताया। यस, तो जो ये टाइम मैनेज होता है, इसमें टाइम लाइन जिन लोगों ने देखी, मैं जर्मनी में रहता हूँ, आप लोगों को आश्चर्य होगा, जर्मनी में छोटा सा गांव है उंटर्सबर्ग, वहां पे पहाड़ है, जर्मनी में आल्प्स पहाड़ों की रेंज है, वहां पे एक एरिया ऐसा है कि लोग अपने बच्चों को नहीं भेजते, वहां पे बच्चे डिसअपीयर हो जाते हैं, तो यहाँ क्राइम तो होता नहीं है, यहाँ पे वहां पे टाइम, वो डिफरेंट टाइम और मिस, कई लोग चले गए फिर वो वापस आए तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताए। मैं उस एरिया को देखने गया था, गाइड के साथ गया था, लेकिन मैंने कोशिश नहीं की उस एग्जैक्ट उस जगह पे जाने की,
और जाता भी तो भी शायद नहीं होता, क्योंकि एक समय की उस फ्रीक्वेंसी में वो ऐसी घटनाएं होती हैं। कुछ लोग 300 साल बैक में चले गए, कुछ लोग 30 साल आगे चले गए। तो जिन लोगों ने टाइम लाइन में ट्रेवल किया, उन्होंने शुरू में अर्थ पे जो ये देखा डिस्ट्रक्शन, जो आपने प्रश्न पूछा था, वो बहुत डेंजरस था। ह्यूमैनिटी पे सुनामी की तरह पृथ्वी पे उनको लहर दिखाई देती थी जो आकाश तक छूटी थी, और लोग नहीं सह पा रहे थे इस डिस्ट्रक्शन के बारे में। लेकिन फिर जो डिवाइन फोर्स है, उन्होंने कई बार टाइम लाइन को ऑप्टिमाइज किया है। अब टाइम लाइन इतनी डेंजरस नहीं है, टाइम लाइन काफी स्मूथ है। हमारे पास बहुत अच्छा पोटेंशियल और चांसेस हैं कि हम इन डिस्ट्रक्शन से बच के हम टाइम लाइन को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक पॉइंट हमेशा रहता है कि फ्री विल ईश्वर का पहला नियम है। अगर बहुत सारे लोग अपनी फ्री विल एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वो थर्ड डायमेंशन में ही रहना चाहेंगे, तो उनको हटाने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बनेंगी। उसको हम मान डिस्ट्रक्शन लीजिए, माने या कंस्ट्रक्शन माने, ये हमारी चॉइस है। किसी कोई पर्टिकुलर एरिया में 4-5 लोग रहते हैं, ठीक है। उसमें से समझ लीजिए मोस्ट ऑफ लोग 3D में ही रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ 500 हजार ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो वहीं एरिया पे रहते हैं। तब हो सकता है वहां पे ऐसा कुछ हो, तो उनका क्या होगा जो 500 से 1000 लोग रह रहे हैं, 3D में जाना चाहते हैं। जो चेतना है वो आपकी कॉन्शियसनेस क्रिएट कर रही है। मान लो एक ग्रुप है, उस ग्रुप में 100 लोग हैं, उसमें से सिर्फ एक जाना चाहता है और 99 नहीं जाना चाहते। और वहां पे आप सोचते हो कि नेचुरल क्लाइमेटीज आएंगी तो क्या 100 को असर करेंगी? नहीं, उसको नहीं करेंगी। जैसे हमने पिछले 2 साल में देखा, किसी के बिजनेस बंद हुए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे पिछले 2 सालों में कोई फर्क नहीं पड़ा। या एक बहुत छोटी सी कहानी बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक गांव में 5 दोस्त जो थे, वो शहर की ओर गए कि नौकरी करने जाएंगे। तो जंगल से जा रहे थे तो बहुत आंधी तूफान आने लगा, बिजली कड़कने लगी, सारे पेड़ के नीचे बच के खड़े हो गए। तो बार बार बिजली आती थी उस पेड़ पे और वापस चली जाती थी। तो उन्होंने कहा कि हम में से किसी एक का आज काल आ गया है, तो ऐसा करते हो, एक की वजह से चारों को रिस्क नहीं हो, तो हर एक आदमी 50-100 मीटर आगे तक जाएगा, अगर बिजली उसको लग जाएगी जिसको लगनी होगी, बाकी 4 तो बच जाएंगे। तो एक एक करके चारों गए, 4 जा चुके, कुछ नहीं हुआ। पांचवें का नंबर आया, सबने कहा कि इसी के मारे हो रहा होगा। पांचवा 50 मीटर तक आगे गया, बिजली पेड़ पे गिरी और चारों मर गए। डिवाइन प्ले बहुत इंटरेस्टिंग है। डिवाइन में उसको कुछ नहीं होगा, चाहे वो 100 के बीच में घिरा हो या 1000 के बीच नहीं, सही बात है, सही बात है आपकी। तो अब फोटोन बेल्ट ये क्या है? आप वीडियो में बोलते रहते हो फोटोन बेल्ट, तो ये क्या है? जो जो ब्रह्मांड में हमारा सोलर सिस्टम घूम रहा है, तो ये एक ऐसी बेल्ट से गुजर रहा है जहाँ पे फोटोन काफी कंडेंस्ड है, ज्यादा मात्रा में है। और ये फोटोन ही हमारी रियलिटी को क्रिएट करते हैं। जैसे क्वांटम फील्ड में माना जाता है कि सब कुछ अल्टीमेटली लाइट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उनको एनर्जी कहो या पार्टिकल कहो, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है, वही उससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। सब चीज उसी से निर्मित है। तो ब्रह्मांड के इस सोलर सिस्टम से हमारा जो सोलर सिस्टम गुजर रहा है, उसमें फोटोन बेल्ट जो है बहुत सॉलिड है। और अमेरिकन की जो डिफेंस है, ये काफी ऐसे एक्सपेरिमेंट करती है जो बहुत सीक्रेट होते हैं, पब्लिक में नहीं आते। उन्होंने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे काम किया कि क्या ह्यूमन हमारी जो फोर्स है, अगर उसकी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बढ़ जाए तो वो बहुत पावरफुल हो जाएंगी। तो उन्होंने आर्टिफिशियली जो फोटोन बेल्ट है, इस तरह की फ्रीक्वेंसी रेज करी, और उनकी टेलीपैथिक कम्युनिकेशन की जो था, ये 70-80% इम्प्रूव हो गया था सब लोगों का, बिना ध्यान किए, सिर्फ एनवायरनमेंट क्रिएट करने से। तो उस बेल्ट से हम जो गुजर रहे हैं, उसमें हमारे थॉट्स जो है, मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हम थॉट करते हैं, सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, किसी रिश्तेदार के बारे में सोचते हैं, काफी समय से बात नहीं, उसका फोन आ जाता है। या हमें सिंक्रोनाइज नंबर दिखते हैं, शुरू हो गए कई लोगों, 1111 या 2222, घड़ी में टाइम देखते हैं, 12:12 होते हैं। ये कुछ लक्षण है कि हम फोटोन बेल्ट से गुजर रहे हैं और परिवर्तन। फोटोन बेल्ट में ऐसा ऐसा हो सकता है कि वो जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, तो उसमें प्रोटॉन की मात्रा बढ़ गई, ऐसा होता है?
हाँ शायद ऐसा इससे मिलता जुलता कोई एक है कि फोटोन बेल्ट कंडेंस्ड है, सॉलिड है, अदरवाइज बहुत लाइट थी पहले और अब हम जिस बेल्ट से गुजर रहे हैं और ये काफी समय तक रहने वाली है। और आप जैसे बोल रहे हैं कि ये आईडी की जो हो रही है एनर्जी, तो कब से हो रही है? जो इसका जो मिडिल पॉइंट है 2012, 2012 ये 36 ईयर की साइकिल है। 36 ईयर की साइकिल को क्योंकि ब्रह्मांड इतना बड़ा है, उसकी स्पीड को अपनी पृथ्वी की स्पीड से नापने में जो टाइम फ्रेम आया जिसके अंदर ये जो ये सेंट्रल सन से जो रेज आ रही हैं, ये 36 ईयर की एक फेज है। तो इस फेज को अब एग्जैक्टली नहीं नाप पाए, तो उन्होंने इसका बीच का पॉइंट था 2012, 18 साल पहले से शुरू हुआ, से 1998, 12 में 18 गए, 1994 से लेकर 2030 था का ये फेज है। इसमें से शुरू हुए परिवर्तन, लेकिन कुछ लोगों ने जल्दी शुरू किए, कुछ ने थोड़े देर से, 2012 के आसपास बहुत सारे लोगों ने शुरुआत कर दी। जैसे मैं 2008 में आया, मैंने आपको बताया था, 180 डिग्री टर्न है, नॉर्मल लाइफ कंप्यूटर प्रोग्रामर नॉर्मल जिंदगी। तो मेरा इसलिए ये 2000 एजेंडा ट्वेंटी इसीलिए इसलिए ये एजेंडा 2030 रखा हुआ है। 2030 रखा हुआ है, उनको ये रखा है कि इस समय के अंदर इनको रोक लो, इनको उलझा दो, बराबर अटका दो। है, मुझे आ रहा है। सोलर फ्लैश क्या है? हैं जी, सोलर फ्लेयर, हाँ सोलर फ्लैश। तो ये ब्रह्मांड का प्लान अनफोल्ड हो रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। उसके परफेक्ट प्लान में सेंट्रल सन से एक तो ये घटनाक्रम हुआ जिसमें हमारी अर्थ वहां से गुजर रही है, दूसरा सेंट्रल सन में वहां पे एक सेंट्रल रेस है बहुत एडवांस है, जैसे हम मल्टी डायमेंशनल बींग है, वो बहुत एडवांस रेस है, वो भी टाइम ट्रेवल करती है, अर्थ की सिचुएशन को वॉच करती है, बिल्कुल जैसे ह्यूमन हम हैं। हमारे पड़ोस में किसी को मान लो बहुत कष्ट है, कुछ लोग रिएक्ट करते हैं, कुछ कहते हैं नहीं ये उसका काम है, वो जाने हम क्यों करें। ऐसे ही सोलर सिस्टम में भी जो रेसेस हैं वो कुछ देखती हैं कि अर्थ पे कुछ हो रहा है, कुछ नहीं देखती कि हम क्या करें, कुछ डायरेक्टली इंटरवीन करती हैं। तो जो सेंट्रल जो रेस है उसने देखा कि यहाँ पे टाइमलाइन को किसी ने कभी मैनिपुलेट किया है जिसकी वजह से अर्थ पे ऐसी सिचुएशन है और आने वाले समय में और भी इसको खराब करना चाहते हैं, उन्होंने डायरेक्टली इंटरवीन करने की कोशिश की। टाइम ट्रेवल अगर हम पैसिव करते हैं, किसी टाइम में जाके किसी और डायमेंशन में जाके खाली ऑब्जर्व करते हैं, तो ये पैसिव टाइम ट्रेवल है, ये आसान है। लेकिन अगर हम उस टाइम किसी डायमेंशन अदर डायमेंशन में जाके किसी एक पर्टिकुलर टाइम में किसी इवेंट को चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो ये एक्टिव टाइम ट्रेवल है, ये बहुत कठिन है, क्योंकि उस इवेंट को चेंज करने में आप सफल होंगे या नहीं आप 100% नहीं कह सकते। आल दो आपने फ्यूचर देखा है और फ्यूचर के घटनाक्रम देखे हैं कि उन्होंने क्या किया और कैसे हम इसको स्टॉप कर सकते हैं, आपने एक प्लान तो बनाया, लेकिन वो प्लान सफल होगा कि नहीं गारंटी नहीं है। तो इसलिए जो सेंट्रल सन है वहां से इस तरह की रेस वो भेजते हैं जिसको हमारा सन रिएक्ट करता है, जो हमारी पृथ्वी का सोलर सिस्टम का सन है, और वो हमारे जो अर्थ के लोग हैं उनको जगाने में हेल्प कर रहा है। ये सोलर फ्लेयर्स हैं, ये पिछले काफी समय से आ रही हैं, जो लोग सोलर वेदर को वाच करते हैं वो देख सकते हैं, इसमें कोई ये तो साइंटिफिक फैक्ट है कि वो बताते हैं कि M1 कैटेगरी की रेज रिलीज होने वाली है, M3 की होने वाली है, हो सकता है कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाए, ये बहुत छोटी छोटी मात्रा में अर्थ पे आ रही है। जब ये आती है तो हमारा सेल जो है एक्सपेंड हो जाता है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, थोड़े समय के लिए इसकी जो लाइट है पूरे शरीर में सारे सेल जो है एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं नए युग के लिए, क्योंकि बॉडी को भी तैयार होना है। जो इस बॉडी के अंदर सेलों की मेमोरी है, जो इसमें ओल्ड पैटर्न सेव है, वो रिलीज होते हैं, हमारा DNA एक्टिव होना शुरू हो जाता है, ये तैयारी का पार्ट है। और असली सोलर फ्लेयर की जो बात होती है, सोलर फ्लैश की, वो कभी ऐसा माना जाता है कि 3 दिन तक लगातार पृथ्वी पे आएगी। सब लोग इसको सुनेंगे, सुनना तो गलत शब्द है, महसूस करेंगे, वो इवेंट है। वही इवेंट को जो लोग देखते हैं, उस इवेंट का रिएक्शन ह्यूमैनिटी कैसे करेगी ये बताना मुश्किल है। अगर ह्यूमैनिटी के बहुत सारे लोग उस
हमारे अंदर जो कुछ भी है, जो भी हिस्से हैं जिस पे हमने अभी तक काम नहीं किया, अहंकार है, डर है, जलन है, कंपटीशन है, वो सब जिन पे हमने अभी तक काम नहीं कर पाए हैं, वो सारे सतह पे आके रिलीज होंगे। जब वो रिलीज होंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अभी हमारी कॉन्शियसनेस हमें जीने के लिए सर्वाइवल मोड उसको दबा के रखता है। सोलर फ्लैश के बाद कोई चांस नहीं है, सब आ जाएगा एक साथ। क्या हम उसको सह पाएंगे? यही चैलेंज है। अगर हम तैयार हैं और हमारे आसपास के सब लोग अगर पागल हो गए, तो क्या हम अपने आप को कैसे बचा पाएंगे? ये ह्यूमैनिटी के लिए चैलेंज, यही डिस्ट्रक्शन है। तो इतनी हद तक हो सकता है कि लोग पागल हो जाए? सॉरी, इतनी हद तक हो सकता है ये सोलो फेयर कि लोग पागल हो जाए? yes. आप जो बोल रहे हैं, यस यस, इसीलिए हर युग में, जैसे हमने तो अगर थर्ड डायमेंशनल के जो सतयुग, द्वापर, त्रेता कलयुग थे, द्वापर युग में महाभारत, जब द्वापर युग का खत्म हुआ तो युद्ध हुआ, क्योंकि जो लोग पागल हो सकते, भगवान युद्ध रोक सकते थे। भगवान अगर कह देते मैं युद्ध नहीं करूंगा तो युद्ध नहीं होता, रोक सकते थे, लेकिन युद्ध अनिवार्य था कुछ लोगों को हटाने के लिए। मैंने फिर पहले भी कहा था कि फ्री विल पहला लॉ है। अगर लोग राजी नहीं होंगे हटने के लिए, उन्हें हटाने के जो तरीके डिवाइन बनाएगा, हो सकता है वो अच्छे ना हो। यानी कि डार्क फोर्स भी काम कर रही है और डिवाइन भी काम कर रही है, दोनों, सबको हटाने के लिए दोनों काम कर रहे हैं। यस, तो एक तरह से प्लान एक ही तरफ जा रहा है। हटेंगे, कौन हटेगा? जो नहीं, जो हटना चाहता है, ना, ना। जो तैयार हो जाएगा, तैयार नहीं। और मैं डार्क फोर्स को बहुत बुरा नहीं मानता हूं। डार्क फोर्स ये डिवाइन प्ले में दोनों रोल प्ले कर रहे हैं। इस युद्ध की वजह से मानवता नए युग पे जा रहा है। वो अपना काम करने के लिए, हम 2 साल पहले से देखो, हम ये क्या ऐसी बातें करते? नहीं, एक स्टेप पे कसा, हम थोड़ा जागे, तो ये हमारे ऊपर है। सही बात है, सही बात है। वो कर रहे हैं इसी के हिसाब से, तो ये सब हम जान पाते हैं। इसी के हिसाब से तो 2-3 सालों से देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग अवेकन हो गए स्पिरिचुअलिटी में किसी न किसी तरफ से, या मेडिटेशन है, या कोई हीलिंग थेरेपी सीख रहे हैं। किसी ने किसी तरह से, मैं देखा, वो तो हम सबने महसूस किया कि 3 सालों में बहुत कुछ हो गया। नहीं, वो तो सही बात है, ये उनका रोल है। हाँ, उनका रोल है, उनको तो। इसीलिए इस रोल के प्रति भी कोई भाव नहीं रखना, क्योंकि हमें सबसे मुक्त होना है। ग्रेट अवेकनिंग और ग्रेट रिसेट, इनके बारे में थोड़ा बताए। ये तो बस यही युद्ध है जो हमने पहले बोला। डार्क फोर्स चाहती है कि हमें हमेशा के लिए गुलाम बना ले। हर एक जो जिसे अभी हमारी थर्ड डायमेंशन की रियलिटी है, इसके गार्जियन है। वो चाहते हैं कि थर्ड डायमेंशन की रियलिटी से तभी निकल पाए जब वो पूरी तरह तैयार हो। तो जो गार्जियन है, वो गार्जियन का काम है कि थर्ड डायमेंशन का जो सिस्टम है ये ऐसे ही मेंटेन होके चलता रहे। क्योंकि अब अवेकनिंग हो रही है और इस अवेकनिंग में उनको दिख रहा है कि ये अवेकन हो सकते हैं। इस सिस्टम को, ह्यूमैनिटी को 2.0 हम कहते हैं। पहले ह्यूमन शाश्वत था, इस फिजिकल बॉडी के अंदर नहीं था, अनंत था। उसके बाद वो किसी तरह इस बॉडी में ट्रैप हो गया और बॉडी से ऐसा आइडेंटिफाई हो गया कि इस बॉडी को ही वो सब कुछ मानने लगा। फिर इस बॉडी के बाद भी ये बॉडी भी उन्हें उन्हें बार बार बनानी पड़ती थी जिन्होंने ये बॉडी दी। तो उन्होंने ह्यूमन 1.0 बनाया, जिसमें उन्होंने ह्यूमन अपने बच्चे खुद पैदा करने लगा और उस बॉडी के साथ। ये 1.0 है, पहला 1.0 था। 2.0 में हम बच्चे पैदा करने लगे। ये बड़ी मिजरेबल स्थिति है धरती पे। अभी भी हम अगर देखें तो अपराध जैसे हैं, कितना दर्द है, कितना परेशानी है, छोटी सा जीवन है, कितना संघर्ष है। लेकिन ह्यूमन 3.0, दैट इज ग्रेट रीसेट। इसमें ब्रेन हैक कर देंगे और ह्यूमैनिटी के जो एक हिस्सा जो अभी ह्यूमैनिटी को जीने के लिए थोड़ी ताकत देता है, इमोशन है, परिवार के साथ उसको शक्ति मिलती है, वो भी खत्म कर दिए जाएंगे। ट्रांस ह्यूमन बन जाएगा, आधा रोबोट आधा ह्यूमन। तब भी वो अनंत जिएगा, क्योंकि उसके बाद ये माइंड नहीं मरता, बॉडी और बोन्स को वो रीजनरेट करते रहेंगे, सिर्फ गुलाम बना देंगे। सोशल क्रेडिट सिस्टम के हिसाब से जो कुछ हम उनकी रिक्वायरमेंट को मानेंगे, उनके नियमों को मानेंगे, समय समय पे नियम इतने सख्त हो जाएंगे, ह्यूमैनिटी कुछ नहीं बचेगी। बच्चे पैदा नहीं करेगी, शादी नहीं करेगी, ट्रांस ह्यूमन हो जाएगी। ये जो ट्रांसजेंडर का जो एजेंडा ये चला रहे हैं, ये इसी पैसा
बच्चों को स्कूल से इसलिए नहीं रोका कि बच्चे बाहर कोई सड़क पे जहरीला वायरस घूम रहा है बच्चों के लिए, नहीं, बच्चे कटें, शादी में नहीं जा पा रहे, हम लोग मरने पे नहीं जा पा रहे, ह्यूमन को ट्रांस ह्यूमन के उसके इमोशन काट रहे हैं, मैन और वुमेन को अलग कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर को बढ़ावा दे रहे हैं, ये सब प्लान का हिस्सा है। मेटावर्स आ रहा है फेसबुक का, जिसमें वर्चुअल रियलिटी होगी, सिर्फ आप अपनी आंखों में चश्मा लगा के दुनिया की रियलिटी को हाँ एक्सप्लोर, वो भी सुना है। सब प्लान का अच्छा हिस्सा है। बहुत दुखद प्लान है, बहुत ही, बहुत मानव जाति पे इससे नीच सोचा नहीं जा सकता। मुझे तो आश्चर्य होता है कोई कैसे सोच सकता है। डार्कफोर्स भी है जो सोच सकते हैं इसके बारे हाँ, में। इतनी डार्क कोई कैसे हो सकती है हाँ लेकिन वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और हो रहा है और हम देख रहे हैं, हाँ देख ही रहे, कितने मेटावर्स तो देख रहे हैं, शायद आ ही जाएगा कोई कुछ चीज साल छोड़ी या नहीं आगे है। तक। कोई नहीं, मैट्रिक्स क्या है? ये मैट्रिक्स थर्ड डायमेंशन का जीवन जीने के लिए जो नियम बनाए गए, उस नियमों को हम एक भाषा में मैट्रिक्स कह देते हैं। जैसे सब एक दूसरे से कटे रहे, ये एक नियम है, ये मैट्रिक्स का एक नियम बन गया। आदमी पैदा होगा, बूढ़ा होगा, बीमार होगा, ये मैट्रिक्स का एक नियम है, जबकि ये नॉर्मलिटी नहीं है। ब्रह्मांड के और हिस्सों में लोग बीमार नहीं होते, लेकिन इस मैट्रिक्स में होते हैं, इस मैट्रिक्स का नियम है। लोगों को बांटना, उनको ये भाव देना कि वो जिंदगी भर संघर्ष करें तभी ऊपर जा सकते हैं, ये मैट्रिक्स का नियम है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में भी आते हो तो एनलाइटमेंट तो बहुत बड़ी बात है, कई सालों कई जन्मों के बाद होता है, ऐसे कैसे होगा। हाँ सुना है, सही हर कहा है। चीज में एक एक सीढ़ी बना दी और सीढ़ी ऊपर की सीढ़ी बड़ी कठिन, और हाँ जो ह्यूमन के लिए नेचुरल था उसको पाप बना दिया मैट्रिक्स के लिए, ताकि पाप पुण्य में पड़े रहे, कर्म के चक्कर में पड़े रहे, और कभी हम अपनी मुक्ति के सोच भी ना पाए कि मुक्ति संभव है। सब सोचते हैं ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता होगा पूरे ब्रह्मांड में, हाँ जनरली ऐसे ही सोचते हैं तो ताकि ये मैट्रिक्स के नियम है। जैसे एक इवॉल्व ना हो पाए। हम इवॉल्व ना हो पाए, एक जरा सा एग्जाम्पल देता हूं, स्त्री और पुरुष का जो मिलन होता है ये दिव्य है, ये दिव्य एनर्जी जनरेट करता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। स्त्री पुरुष को इंस्पायरेशन देती है, डिवा फेमिनिन एनर्जी देती है, वो सुंदरता क्रिएट करती है। पुरुष स्त्री को मस्कुलिन एनर्जी देता है, उसको शक्ति देता है। इसके लिए सेक्स को इस मैट्रिक्स में बदनाम किया है हर धर्म ने, हाँ ये जान के, ये हाँ सब मैट्रिक्स के नियम है, ये सब टूटने हैं। एक्चुअली मैंने न्यू एनर्जी के बारे में वर्कशॉप किया था, उसमें ये सब बताया हुआ है कि ये सब गलत धारणा है, इसमें हमें फंसाया गया है और कर्मों का भी नियम भी नहीं है। एक्चुअली हम सब सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए ही आते हैं कि ड्यूअलिटी का एक्सपीरियंस करने के, लेकिन ये वो जो एक्सपीरियंस है जब हम पूरा हो जाता है तब हम अपनी रियलिटी को जान जाते हैं कि हम एक डिवाइन सोल है, हम सब एक डिवाइन सोल है, हम एक ही ईश्वर की संतान है, तो हम वननेस में है। वही हम न्यू एनर्जी में सिखाया जाता है जो आपने अभी बताया। नहीं वो रियल में सही बात है। और ये मैट्रिक्स का मैंने, पता नहीं आपके ग्रुप में लोग चाहें तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, 1998 में डॉक्टर नेरुदा, फिक्टिटियस नेम है, उनका असली नाम नहीं है, क्योंकि 98 में ऐसी बातों को बताने के लिए आदमी को गुप्त ही होना पड़ेगा, नहीं तो उसके जीने के चांसेस बहुत कम थे। उन्होंने सेंट्रल रेस के बारे में बताया, और एक इस पे कंप्लीट इतनी मोटी बुक है, वो बुक भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, उसमें एक 62 पेज का इंटरव्यू, डॉक्टर नरेगा ने अपने इंटरव्यू में इस ह्यूमन 1.0, 2.0 और जो ग्रेट रीसेट जो होने वाला है ह्यूमन, इसको 3.0 बोला। तो 62 पेज का इंटरव्यू, इसमें कर्म कैसे, धर्म, थर्ड डायमेंशन की मैट्रिक्स के बारे में बताया। अगर आप चाहें तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आपके ग्रुप के लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, 62 पेजेस हैं, हम नहीं उसको डेफिनेटली ट्रांसलेट आप, करने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली आप बताएं। और वो बुक अभी आपके पास है जो आप बोल रहे इसको हैं? बुक मेरा एक बार दिखाता हूँ, हाँ ये बुक है कलेक्टिव वर्क ऑफ विंग मेकर, कलेक्टिव वर्क ऑफ विंग विंग मेकर, मेकर, बहुत तो सारी ये बुक है। $80 की है, और लेकिन इसका इंटरव्यू फ्री में अवेलेबल है। इनकी वेबसाइट्स हैं, इनकी वेबसाइट में
बहुत अच्छा म्यूजिक इन्होंने बताया है जो डीएनए को शायद एक्टिवेट करता हो, वो और भी आप मुझे वो बता वेबसाइट का दीजिए। भी मैं लिंक आपको भेज दूंगा, तो आप शेयर कर सकते हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने बताया, क्योंकि पैसिव टाइम ट्रेवल आसान है और एक्टिव टाइम ट्रेवल कठिन था, तो इन्होंने अर्थ पे कहीं गुप्त जगह आर्टिफैक्ट, मान लो उसमें पेंटिंग है, एक पोएट्री है और एक म्यूजिक है, एक सीडी मिली। वो सीडी डॉक्टर नेरुदा ने डीकोड की, और सिर्फ एक बार डीकोड करने के बाद वो सीडी डिस्ट्रॉय हो गई। तो ऐसे 23 चैम्बर मिले, 23 कमरे मिले या गुफा मिली, और 23 के बाद नहीं कुछ मिल रहा था, तो उन लोगों ने छोटा कि यही लास्ट होगा। फिर बहुत आखिरी में वो इनकम्प्लीट लग रहा था, एक छोटी सी टनल दिखाई दी, इतनी छोटी टनल की कोई लेट के ही जा सकता है। तो उस टनल के थ्रू वो 24 में पहुंचे, वहां पे फिर नेक्स्ट म्यूजिक मिला। ऐसा माना जाता है कि जैसे ह्यूमन के जो नियरेस्ट हैं, मान लो बंदर हैं या गोरिल्ला हैं, उनमें 24 पेयर ऑफ क्रोमोजोम है, ह्यूमन में 23 है। तो ह्यूमन में 23 क्यों हुआ? ऐसा माना जाता है कि जो 24th है वो डिवाइन है, जो नए युग के लिए है, और वो शायद 24th पेयर एक्टिव होगा तो हम फिफ्थ डायमेंशन के लिए जा सकेंगे। तो 23 चैम्बर मिले, उसके बाद ऐसी टनल की कनाल मिली जैसे बच्चा बर्थ कनाल से बाहर आता है, और 24 चैम्बर मिला। तो शायद ह्यूमैनिटी के नए बर्थ को वो डिकोड करना चाहते हैं। डेफिनेटली आप वो वेबसाइट हमें बता दीजिए तो हमारे ग्रुप को भी हम बता देंगे। मैं तो वो म्यूजिक रोज सुनता हूँ, और दो तरीके हैं, मैं आपको दूसरा लिंक भी भेज दूंगा उनकी वेबसाइट का, यूट्यूब में है, उसमें पेंटिंग दिखाई देती है और बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है, तो वो ध्यान की तरह कर सकते हैं, और नहीं तो सारे म्यूजिक खाली आप सुन सकते हैं। मैं तो सोते वक्त सुन लेता हूँ, टाइम पूरा नहीं मिलता हर बार देखने का। डेफिनेटली आप भेज दीजिए। अब ये जो हमारे ओल्ड स्पिरिचुअल बुक्स होते हैं जो भी है हमारे धर्म के, और अभी जो न्यू एज बुक्स है जो अभी जो भी पिछले 10-20 साल से या 30 साल से आ रहे हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस हो सकता है और हमें कौन सी बुक्स को रेफर करना चाहिए अभी हमें साइड में? देखिए बड़ा अच्छा, किसी धर्म का इधर हम किसी धर्म का इधर उधर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सब क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। बड़ा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमारे शास्त्रों में जो कुछ लिखा है वो सब टीचिंग थी थर्ड डायमेंशन को जीने के लिए। जब भी एक युग खत्म होता है और नए युग की शुरुआत होती है, तो उस युग की टीचिंग नए युग के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो टीचिंग दे दी जाती है। त्रेता युग की टीचिंग है वशिष्ठ महारामायण, तुलसी रामायण नहीं, वाल्मीकि रामायण नहीं, वो तो कथा है, टीचिंग जो है वशिष्ठ महारामायण में। उसके बाद द्वापर युग खत्म होने लगा, तो टीचिंग जो है गीता है, वो अब तक उसने काम आई। लेकिन अब तो ये युग तो खत्म हो रहा है और नया युग शुरुआत हो रहा है, तो सारी टीचिंग अब तक के लिए तो यूजफुल थी, लेकिन अब के लिए कोई टीचिंग है नहीं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये होने वाली पहली घटना है। तो अब जिस टीचिंग को हम न्यू एज टीचिंग कहते हैं, उसमें से कितनी गलत है कितनी सही है, और फाइनली उस वो कंप्रेस्ड होके नेक्स्ट जनरेशन का ग्रंथ कभी बनेगा। और जो हम अभी भी इंफॉर्मेशन बार में है, न्यू एज की जो टीचिंग है वो कितनी सही है कितनी गलत है हम कह नहीं सकते, गारंटी से नहीं कह सकते, क्योंकि डार्क फोर्स इसको मैनेज करती रहती है। ये इस इंटरव्यू में भी लिखा हुआ है, डार्क फोर्स जो है इसको भी मैनेज कर रही है, वो भी जो लुकिंग ग्लास टेक्नोलॉजी जो मैं पहले अच्छी टेक्नोलॉजी बता रहा था, इसमें टेक्नोलॉजी लुकिंग ग्लास टेक्नोलॉजी भी है, वो टाइम ट्रेवल नहीं करती, बहुत क्वांटम कंप्यूटर टाइप का है जो बिलियंस डेटा को प्रोसेस कर सकता है। हमारे कंप्यूटर उनके आगे, हमारे सुपर कंप्यूटर उसके आगे प्रिमिटिव हैं। उस कंप्यूटर ने जब सारा डेटा प्रोसेस करके वो फ्यूचर को अप टू 70-80% प्रोबेबल फोरकास्ट कर सकता है, 70-80% वो करेक्ट होती है। इसको डार्क फोर्स भी यूज करती है, उस कंप्यूटर को लुकिंग ग्लास बोलते हैं, और जो डिवाइन है वो भी यूज करती है, दोनों एक प्रोबेबल फ्यूचर देखते हैं, उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाते हैं। हाँ बराबर है, सही बात है, सही बात। लुकिंग ग्लास के बारे में मैंने भी सुना है, लुकिंग ग्लास के बारे में फ्यूचर में देखा जा सकता है। बचपन में कहानियां पढ़ते थे ना कि गोला था वो, हाँ, उसने गोले में, ये सब सच है। टेक्नोलॉजिकल भी संभव है, और जो लोग
जो लोग रिमोट व्यूइंग वगैरह जिनके अंदर पैरानॉर्मल क्षमताएं विकसित हो जाती हैं वो रिमोट में व्यू कर सकते हैं, वो अलग बात है, एक मशीन के रूप में भी संभव। हमारे जो पुराने जो भी असेंडेड मास्टर थे जैसे कि बुद्धा है, जीसस है, ठीक है, उनमें और अभी जो भी एसेंशन में जाएंगे तो क्या डिफरेंस होगा, या फिर समझ लीजिए उनकी टीचिंग अभी काम आ सकती है? मैं समझता हूँ कि टीचिंग से बहुत ज्यादा प्यार नहीं करना चाहिए, जो हमारे काम किए हैं उतना एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बुद्धा 2500 साल पहले, जीसस 2000 साल पहले, और इस्लाम के मोहम्मद 1400 साल पहले। समय बदल गया है, नया समय बहुत तेज है। उस समय के लिए जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही था, इम्पोर्टेंट था, यूजफुल था। आने वाले समय में उसकी रेलिवेंसी कम होती जा रही है, तो जितना रेलिवेंट है आपके लिए यूजफुल है उतना लें, बिना किसी विद्रोह के कि हम नहीं लेंगे। उन्होंने उसने हेल्प की 2000 साल की, ये भी तो बहुत है। नहीं, बहुत हेल्प की उन्होंने। यस, उस टाइम, लेकिन उस टाइम पे जो जरूरी था उनको यही लगा, बस ठीक है, तो वो टाइम सही था। लेकिन अब उतना यानी 100% नहीं हो सकता है जो उन्होंने टीचिंग दी। इसीलिए अपने विवेक का यूज करें। पुराना जो लोग भी किसी एक किताब या किसी एक धारणा से बहुत ज्यादा चिपक जाएंगे उनके लिए करना है फ्लेक्सिबल। और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, सत्य क्या है अगर आप सोचो, क्या सच है? आज तक की मेरी चेतना यहां तक उठी तो मैंने एक सच माना, अगर मेरी चेतना बुद्ध तक उठ जाती तो मैं दूसरा सच मानता। जो बुद्ध का सच था वो उसके पिताजी का सच थोड़ी था, नहीं। जो मेरा सच है वो मेरे भाई बहनों का नहीं है। क्या चीज डिसाइड करती है सच को? अंडरस्टैंडिंग नहीं, माइंड नहीं, कॉन्शियसनेस। तो इस समय में जब हम फोटोन बेल्ट से गुजर रहे हैं और हम बहुत कम समय में नेक्स्ट लेवल की चेतना में जा रहे हैं, तो हमारी चेतना बहुत तेजी से एक्सपेंड हो रही है, बहुत तेजी से। जो 10 सालों 10 जीवन में होता था वो इस एक जीवन में हो रहा है, हर एक महीने में चेतना एक्सपेंड कर रही है। तो इस चेतना को एक्सपेंड होने देना अगर आप चाहते हैं तो अपने सत्य के प्रति फ्लेक्सिबल। एक महीने पहले का जो सच था वो उस समय यूजफुल था, एक महीने बाद का नया सत्य प्रकट हुआ उसमें लगा कि पुराना यूजफुल नहीं है, तो नहीं। नहीं, मेरे में भी हो रहा है कि समझ लीजिए पिछले 4-5 महीने में जो 5 महीने पहले जो था और अभी जो था वो मैं, मुझे लग रहा है कि नहीं वो अभी मेरे काम का नहीं है, अभी मैं थोड़ा ऊपर आ गया हूँ तो वो मुझे छोड़ना ही पड़ेगा, ऐसा मुझे तो लग रहा है। यही यही फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इस युग में। जो पकड़े रहेंगे वो तो अपने आप को स्लो करेंगे। सही बात है। फॉल्स एसेंशन मैट्रिक्स ये क्या है? ये जो डार्क फोर्स जानती है कि ये लोग असेंशन करना चाहते हैं, इनके असेंशन को रोकने के लिए असेंशन की फॉर्म में गलत इंफॉर्मेशन देना, ये फॉल्स जैसे कि ये बहुत कुछ हो रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम चैनल हैं, हमें डिवाइन मैसेज मिल रहा है, वो डार्क फोर्स का एजेंडा इंप्लीमेंट करते हैं। क्योंकि थोड़ा सा अहंकार है, अहंकार ने थोड़ा सा ध्यान किया और चैनल खुल गया। चैनल खुला उसके बाद बाहर आपको किसने कैच किया ये आपको नहीं पता कि डार्क फोर्स के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आपको कैच किया या डिवाइन ने आपको कैच किया। और वो जो भी मैसेज आप लेके वापस आए, अहंकार ने उसको प्रोसेस किया और आप लोगों को बताते हैं। तो बहुत जल्दी आप डार्क फोर्स की इंस्ट्रूमेंट बन के उनके शिकार बन जाते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट को डार्क फोर्स फॉल्स असेंशन मैट्रिक्स की तरह लोगों को बहकाने के लिए खूब यूज करती है। तो ये कैसे पता करें कि जो मैसेज मिल रहा है वो डार्क फोर्स से मिल रहा है या फिर राइट फोर्स? यही, इसके लिए हमें अपनी थर्ड आई को खोलना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन युद्ध है और इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा आ रही है और उसमें से 90% 80-90% फॉल्स असेंशन मैट्रिक्स की, डार्क फोर्स की। सिर्फ 10% सही है, इसलिए फोकस अपने ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पता लग गया फिफ्थ डायमेंशन हो रही है, परिवर्तन महसूस हो रहे हैं, अपने ऊपर इतना काम करें सोलर फ्लैश आए तो तैयार हो, थर्ड आई इतनी खुल जाए कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकें, गलत इंफॉर्मेशन में ज्यादा ना भटके, रास्ता लंबा ना हो। मैं भटका हूँ खूब जगह, खूब भटका हूँ। सदगुरु से पर्सनली मिला हूँ, दलाई लामा से पर्सनली मिला हूँ, और एलेना दानान यूट्यूबर हैं, बहुत फेमस है, उनकी सारी वीडियो पहले दिन लाइव में सुनता था। 20,000 उनके हर वीडियो पे उनको लोग वॉच करते हैं। वो कहती हैं कि उनके माइंड में एक चिप लगी है और पिलेडियन उनको मैसेज देते हैं,
और वो लोग बड़ा प्रभावित होते हैं क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन पे कहती है मेरी एक्सेस है। लेकिन मैंने शुरू में सुना, मैं जानता हूं कि वो फॉल्स अशेंशन मैट्रिक्स का हिस्सा है क्योंकि किसी भी डायमेंशन में कम्युनिकेट करने के लिए चिप की जरूरत नहीं, हाँ टेलीपैथी ही है उसकी वहां पे। वो अल्टीमेटली टेली वो अल्टी मैंने पहले कहा था चिप की मार्केटिंग बहुत आसान है। अगर वो जरूरत एलेना दनान कह दे कि मेरे पास एक चिप है पिलेडियन से, आपको मैसेज मिलेगा किसने लगवानी है, अभी 10% जो है वो लाइन में लग जाएंगे, इनकी जाएंगे जाएंगे सही बात है सही बात कमी है। है। तो वो ऐसे फ्रॉड से बचना है, अपने रास्ते पे फोकस रहना है। तो मेरे आपके हिसाब से यानी कि कौन से गुरु को, या फिर हो सकता है क्या हम आपके अंदर ही जाएं बाहर जाने के बजाय? सबसे अच्छा अपने अंदर जाएं, अंदर के गुरु को जगाएं, इनर गुरु जो है वो कभी मिसगाइड नहीं करेगा, हाँ है ना। ईश्वर हमारे अहंकार पे अंदर ही काम है, गुरु करें, हमारे अंदर। हमारे अंदर है, अहंकार पे काम करें, थर्ड आई पे काम करें। थर्ड आई को इस डार्क फोर्स ने जान के हमारे खाने से, पीने से, हवा में, कैमटेल ऊपर फैलाते हैं आप हवाई जहाज के थ्रू देखते हो पीछे सफेद धुएं की जो लकीर बनती है, वो केमिकल जान के जाती फैला रहे हैं हमारे है इसको ऐसा। रोकने के लिए। बिल हाँ गेट वह कह रहा है कि अर्थ पे जो गर्मी बढ़ रही है इसके हम पूरी अर्थ के चारों ओर एक सैटेलाइट के थ्रू एक वो रोक देते हैं ताकि अर्थ की सूरज सन से जो गर्मी कम हो जाए, ये सोलर फ्लैश को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ये सब तो हमारे खाने पीने में जेनेटिकली मोडिफ, आप देखो कि इंडिया में कितनी एकड़ जमीन बिल गेट खरीद रहा है, खरबों एकड़ जमीन खरीद रहा है गवर्नमेंट से मिले हुए, कोई बोलता नहीं, मीडिया सारा बिका हुआ है। हु कंट्रोल्स द फूड, हु कंट्रोल्स द ह्यूमन, इस आइडिया से जेनेटिकली अमेरिका में तो पूरे, उन्होंने, अमेरिका में तो उन्होंने बहुत खरीदी, वो तो मुझे पता है, लेकिन हाँ इंडिया सब के बारे में जगह नहीं वो पता खरीद है रहे हैं। तो ऐसा। ये ऐसा करके फूड खराब कर रहे हैं। तो हमारे जो हमारी थर्ड आई है इसके ऊपर लेयर जम गई है, ये एक्टिव नहीं हो पाती, ये इनका एजेंडा का हिस्सा है। तो थर्ड आई एल्टीफाई हो खोलिए, जाता है। थर्ड आई के ऊपर काम करें पूरी तरीके से। थर्ड आई खुल जाएगी तो आपको कोई बहका नहीं पाएगा आसानी से। एलाइट्स क्या है, एलिट्स जो बोलते हैं वो क्या है? ये इलीट उन्हीं डार्क फोर्स के ऊपर के हिस्से हैं। हम सोचते हैं कि बिल एजेंट गेट एलीट से क्योंकि बहुत अरबपति है या अडानी अंबानी है है इनके। एलीट, ये हमारी नजरों में एलीट हैं, धनाढ्य हैं, लेकिन वो जो एलीट्स हैं वो इनविजिबल हैं, वो सामने नहीं आते, वो इनको कंट्रोल करते हैं। वो अपने आप को एक अलग तरह की रेस मानते हैं, जैसे हम जानवरों को, कुछ लोग मांस खाते हैं काट कर खा लेते हैं, गाय का लेदर बना लेते हैं कि उसके बच्चे को छीन के कर लेते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये जानवर है, हम इंसान हैं, इसमें दर्द हम उसको महसूस नहीं करते, तभी तो कर सकते हैं। ऐसे ही ये जो एलिट्स हैं ये अपने आप को ह्यूमन से श्रेष्ठ मानते हैं, ये अलग रेस मानते हैं, ह्यूमन को ये अपने से नीच मान के हम इनके इंस्ट्रूमेंट हैं, हम उनके भोजन की तरह हाँ हैं। यूज करते लेकिन हैं वो एलिट कौन है वो सामने नहीं आएंगे। अगर आप जिन अमीरों को, पैसे वालों को अभी अगर इलीट मानते हैं तो ये वो नहीं है, ये उनको कंट्रोल करते हैं। डार्क फोर्स के 3 मेजर जो पिलर है जिनके द्वारा हम वो हमको कंट्रोल करते हैं, वो कौन कौन से हैं? डार्क फोर्स के सबसे, एक तो पॉलिटिशियन, हर देश की सत्ता पे उनका कब्जा है, तो इलेक्शन फ्रॉड है। अगर आप ये सोचते हो कि हमने 2014 में गवर्नमेंट चुनी है, ये इल्यूजन है, जैसे माया है, वो सिलेक्ट करते हैं और पूरा मीडिया उनको प्रमोट करता है और आप उनको वोट देने के लिए मजबूर हो जाते हो क्योंकि आपका ब्रेन वॉश ऑलमोस्ट हो जाता है। हो जाता है, हो जाता जो सीबीआई, अमेरिका की एफबीआई है या सीबीआई है, उनकी एक और यूनिट है वो बहुत कम सामने आती है, उनकी एक यूनिट है उसका नाम है एम का अल्ट्रा, माइंड कंट्रोल अल्ट्रा। वो पैरानॉर्मल ह्यूमन की क्षमताओं को यूज करते हैं वेपन के रूप में। तो किन जिन बच्चों में कुछ एक्स्ट्रा दिखता है उन बच्चों को वो बहुत बुरे तरीके से ट्रेंड करते हैं। बच्चे के अंदर कॉन्शियसनेस होती है, वो उनका इंस्ट्रूमेंट नहीं बनना चाहता, तो उस बच्चे को इतना सताते हैं, इतना दर्द देते हैं छोटे से बच्चे को, कि माइंड का वो हिस्सा दर्द सहने से बचने के लिए अपने आप को रोक देता है दर्द ना हो, तब उस वो बच्चा इंस्ट्रूमेंट बनता है उनका। तो कोई कोई सरवाइव कर पाता है, तो एक लेडी ने सरवाइव किया, उसका नाम है कैथी ओ ब्रेन, उसने बुक लिखी है, उसकी बुक ऑटोबायोग्राफी
कोई भी पढ़ सकता है, उसने अमेरिका की कांग्रेस के सामने अपनी बयान दिया। जब वो सर्वाइवल उसका हुआ, उसने अपने बयान में बताया कि 1995 में जॉर्ज बुश सीनियर ने उसको रेप किया। उस समय बहुत सारे लोग थे। उस रेप करने के बाद जब वो इस स्टेज में आ गई, छोटी सी बच्ची सेंसलेस हो गई, तो लेकिन वो सुन रही थी। उसने बताया कि आने वाले समय में ये राष्ट्रपति होंगे, 2016 तक सेम टू सेम आल राष्ट्रपति उसी सीक्वेंस में हुए, एक्सेप्ट 2016 में हिलेरी क्लिंटन, उसने बोला था अपनी टेस्टिमनी में, वो नहीं हुई। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप जीत गया था इलेक्शन। इस हद तक इलेक्शन वहां पे मैनेज होते हैं, तो हमारे देश में भी ये एलिट्स और ये गवर्नमेंट एक बेईमानी है। इससे बाहर निकलें, देखें अपनी गवर्नमेंट को, क्या वो आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हाथों बेच रही है, क्या देशभक्त है? नरेंद्र मोदी का जो इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कई बार न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ऐसा बोलते थे। वो उनका काम कर सकते थे, इसलिए उनके काम के लिए उनको चुना गया और वो उनका काम कर रहे हैं। तो पहला पिलर पॉलिटिकल, और आप देखो पार्टी की बात नहीं है, हम किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं है, मैं किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं हूँ। अगर कांग्रेस होती तो भी यही करती। एक भी क्या पार्टी ने बोला है इसके जो देश में 2 सालों में हुआ है? नहीं। आरएसएस ने, या आरएसएस का जो विरोध करता है ओवैसी, क्या उसने बोला है? सब मिले हुए, सबका सब एक तरफ है, सब के साथ। यही एक पॉलिटिशियन का पहला पिलर, सॉरी डार्क फोर्स का पहला पिलर है। डार्क फोर्स का दूसरा पिलर है सेलिब्रिटीज, हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार और म्यूजिक इंडस्ट्री और बॉलीवुड के स्टार जो ये। और थर्ड पिलर है, उन्होंने देख लिया कि मानव बड़ा सीधा है, गुरुओं पे विश्वास करता है, गुरुओं की हर बात को मानता है, स्पिरिचुअल लीडर। जो इतने बड़े स्पिरिचुअल लीडर हैं, बड़े बड़े आश्रम हैं, ये फ्री मेंशन एक सोसाइटी है, उसके थ्रू ट्रेंड किए हुए हैं, और उनका नाम सुना है। तो ये तीन उनके सबसे बड़े प्लेयर हैं, जिसके थ्रू 80-90% ह्यूमैनिटी इस तरह कंट्रोल हो जाती है कि आप उन्हें बताना भी चाहो तो नहीं बता पाओगे, वो ब्रेन वॉश है। मीडिया पे फुल कंट्रोल है, और मीडिया 95% जो मीडिया है वो सिर्फ इलीट्स के पैसे से चलता है, और पत्रकारिता नाम की कोई चीज नहीं बची। और अब जो जुडिशरी है वो भी काफी हद तक है, जुडिशरी में जो ऊपर है सब कंट्रोल है। बड़ी दुर्भाग्य, हम डरना नहीं है, लेकिन यही हमें जानना है। अब हमें पनीर टिक्का की बात करेंगे, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताएं, क्योंकि हम में से ऑलमोस्ट सभी ने, एक्चुअली मुझे नहीं लेना था, मुझे पता चल ही गया था कि नहीं लेना है, लेकिन फैमिली प्रेशर इतना आया कि मुझे फर्स्ट और सेकंड डोज लेना ही पड़ेगा, लेकिन अब तो डिसाइड है कि तीसरा पनीर टिक्का नहीं लूंगा। तो आप जो डोज है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसके बारे में बताएंगे? देखिए, अब ये एक डार्क प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे थे, और लेकिन डिवाइन ने इतना इंटरवीन किया कि पहला स्टेप था बहुत सारी पॉपुलेशन को हटाना, नहीं हटी। दूसरा था इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हों, वो भी नहीं हुए। तीसरा था कि इसमें जो नैनो पार्टिकल हैं उसकी टेक्नोलॉजी उस समय तक आ जाएगी 5G के थ्रू कि ब्रेन कंट्रोल कर पाएंगे, वो टेक्नोलॉजी भी अभी तक नहीं है। तो ये आप सबके लिए वरदान है। जहाँ पे जिन्होंने तीन या चौथा ले लिया है, अगर वो यहाँ पे टेस्ट कराते हैं तो सबका एड्स पॉजिटिव आता है, सबका इनवेरिएबली। क्या एड्स? एड्स का टेस्ट पॉजिटिव आता है जो चौथा ले चुके हैं। चौथा लेते हैं वो, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी कमजोर है कि वो ऑलमोस्ट एड्स की तरह हो चुकी है। ओहो, तो ये इस हद तक है। इसको जो हो गया वो हो गया, उसको डिटॉक्स करने की पूरी कोशिश करी। मुझे नहीं पता कि डिटॉक्स करने के कौन से इफेक्टिव मेथड हैं। डॉक्टर सुशांत राज का नाम मैं नाम सुनता हूं, उन्होंने कई बार वो रिपोर्ट से वेरीफाई भी कर सकती है, जैसे आपने दो टीका ले लिया और अपनी आप रिपोर्ट करा लो जो वो रिपोर्ट रिकमेंड करती हैं लेबर से, लेबोरेटरी से, और उसके बाद उनका जो ट्रीटमेंट लेते हैं 1 या 2 महीने का, उसके बाद रिपोर्ट करा लो, तो फिजिकल लेवल पे वो सारी चीजें हट जाती हैं। तो डिटॉक्स करें, और ग्रेट अपनी पूरी जो एनर्जी है ग्रेट अवेकनिंग की ओर लगाएं। अगर ग्रेट सोलर फ्लैश के बाद ये सब हट जाए, गारंटी है
सोलर फ्लैश होने के हट बाद ये सब चीज जो है इसकी जो साइड इफेक्ट है हट जाएंगे, लेकिन जाएगी। तब तक के लिए अपने आप को इतना तैयार करें, ग्रेट अवेकनिंग ही होनी चाहिए, क्योंकि ग्रेट रिसेट हुआ तो सबसे पहले वो लोग हैं जो ले चुके हैं, लेकिन बाद में सारे भी आएंगे। अगर ग्रेट रिसेट हुआ तो सारे ही आएंगे, है ना, लेकिन ये इसको हम सबको मिलकर रोकना है। तो डिटॉक्स करें, और डिटॉक्स करने का मुझे ये नहीं पता, इसके दो हिस्से हैं, एक तो नॉर्मल जो हमारी फिजिकल बॉडी को इम्यूनिटी का वगैरह को कमजोर करता है, और दूसरा इसका mRNA हिस्सा, वो मुझे नहीं पता उसका कोई डिटॉक्स अवेलेबल है कि नहीं। अगर आपको पता लगे तो मुझे बताएं, क्योंकि मैं चाहता हूँ सब डिटॉक्स। एटलीस्ट फर्स्ट सेकंड लिया है उसको कम इफेक्ट होगी, यस, थर्ड फोर्थ को ज्यादा होगी, यस, क्यों इसीलिए ये इतनी 3, 4, 5, 6 कर रहे हैं, क्योंकि ये भी जानते थे कि अगर पहली दो से बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट आने लगे या कैजुअलिटी होने लगी तो बाकी लोग बिदक जाएंगे, है ना। इसमें कई आप लोगों के लिए खुशखबरी है, लेकिन इस खुशखबरी का पता नहीं कितना महत्व है, 50% प्लेसिबो है, 50% असली नहीं थी ये जान के, क्योंकि अगर एक साथ देंगे अब ये क्यों चाहते हैं 100%, क्योंकि अभी भी जो हैं उनको साइड इफेक्ट या हार्ट अटैक मान लो ज्यादा हो रहा है, स्टेटिस्टिकली ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा हो रहे हैं, जहां कहीं पे भी वो ब्लॉक कर रही है वहां पे स्ट्रोक हो रहा है, तो लेकिन अभी मिक्स है, एकदम से स्टेटिस्टिकली हम इनको ये आरोप नहीं लगा पा रहे कि देखो जिन्होंने लिया है उनको ज्यादा हो रहा है ना, इसीलिए इन्होंने प्लासिबो दी थी, जान के प्लासिबो दी थी, 100% देते तो 100% रिएक्शन होते हो, ये एक्सपोज हो जाते, हाँ एक्सपोज होते हैं काम, और नहीं थे नहीं, वो भी इंटेलिजेंटली काम कर रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट काम करते हैं, लुकिंग ग्लास में फ्यूचर को देख काम कर रहे हैं। नहीं नहीं सही बात है। अब जैसे कि आप बोल रहे हैं कि थर्ड आई पीनियल ग्लैंड के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा बताया, और मान लीजिए चलो फर्स्ट सेकंड पॉइंट टीका ले लिया है, ठीक है, तो इट्स ओके जो भी हो रहा है, तो क्या इसको डिटेक्ट थोड़ा कर सकते हैं पीनियल ग्लैंड को, कैसे कर सकते हैं पीनियल ग्लैंड को? जो थर्ड ग्लैंड है यहाँ से, आप तो डॉक्टर हैं जानते होंगे, एक निकलता है सीक्रेशन जब हम ध्यान में करते हैं, DMT, DMT, वो DMT ही आनंद की स्टेज लाता है, जिसको हम कहते हैं समाधि या आनंद की स्टेट आती है। मैंने सुना है कि जब लेडीज डिलीवर करती हैं बच्चा तो भी बॉडी से DMT सीक्रेट होता है, अगर उनको इतना दर्द होता है जॉइंट्स में, जॉइंट्स एक्सपेंड होते हैं, वो दर्द तभी सह सकते हैं जब, और वो बड़ी खुशी में होती है क्योंकि बॉडी से DMT सीक्रेट होता है, या जैसा भी माना जाता है कि मरने से पहले मान लो किसी का बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ, मल्टीपल फ्रैक्चर है, दर्द से कराह रहा है, मरने से कुछ पहले इसके दर्द खत्म हो जाते हैं क्योंकि बॉडी DMT सीक्रेट करती है काफी बड़ी मात्रा में। तो ये आनंद की स्थिति को रोकने के लिए हमारे DMT के ऊपर तो काल जम गई है, इनके खाने पीने की वजह से या हमारी जीवन शैली की वजह से या हमारे टूथपेस्ट में इतना फ्लोराइड है, आप जानते हैं कि अगर उतना फ्लोराइड बच्चे को खिलाते तो बच्चा मर जाएगा, अगर नए बच्चे को फ्लोराइड इतनी बड़ी क्वांटिटी में दे दें बच्चा मर सकता है, इतना हमारे टूथपेस्ट में है, इसकी वजह से उसके ऊपर लेयर की लेयर जम गई है। तो मेडिटेशन हम करते हैं तो वो जागती है, हम अपने बीच में रहते हैं तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी खुलती है, हमें किसी चीज से कोशिश ये हो कि बहस ना करें, जब हम बहस करते हैं या कोई भी एक पक्ष लेते हैं तो हम लड़ाई में सुषुम्ना से हट जाते हैं, यही द्वैत का मैट्रिक्स का एक नियम है, डुअलिटी, दोनों पक्ष हैं, हम किसी भी पक्ष में खड़े हों तो हम उसके बीच से हट जाते हैं। तो कोई भी एक ध्यान की एक ऐसी पद्धति जरूर पालन करें जिसमें थर्ड आई पे ओपन होने पे काम हो, थर्ड आई पे फोकस हो, थर्ड आई पे आप अपनी एनर्जी को ले जाएं और अपने बीच में रहने की कोशिश करें। मेरी गुरु ने, जब मैंने उनसे 10 साल ध्यान करने की कोशिश की और ध्यान नहीं हुआ तो मैंने कहा कुछ हो नहीं रहा, आप मुझे सीरियसली बताओ क्या करूं, तो उन्होंने कहा तुम्हें किसी चीज का विरोध नहीं, 6 महीने। तो मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने इसको और थोड़ा सा इलाबोरेट किया, किसी व्यक्ति का, किसी घटना का, किसी चीज का विरोध नहीं करता, शराब है अच्छी है, खराब है, मीट है अच्छा है खराब है, घी देसी घी अच्छा है, किसी चीज, ना कोई अच्छा ना कोई खराब, उससे मेरे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। तो मैंने देखा वास्तव में ये तो एक कमाल की चीज है, नॉन जजमेंटल स्थिति में आ जाते हैं, यस, नॉन जजमेंट और फ्लो,
जब आप नहीं करते तो आप फ्लो में रहते, फ्लो में रहते हो तो कॉन्शियसनेस एक्सपेंड होती है ऑटोमेटिक। ह्यूमन कॉन्शियसनेस का नेचर ऐसा है कि डॉक्टर ब्रूस लिप्टन है, उन्होंने बहुत प्रयोग किए, तो उन्होंने अच्छे बर्तन में ह्यूमन सेल रखा, वो अपने आप एक्सपेंड पूरे बर्तन में, इतना बड़ा बर्तन था, एक्सपेंड होता होता रहा। उसके कोच जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा जहर डाला जो सेल के लिए डेंजरस था, सारे सिकुड़ के किनारे आ गए, एकदम कोने में सिकुड़ गए। हमारी कॉन्शियसनेस का मूल स्वभाव एक्सपेंशन है, मूल स्वभाव है, लेकिन हम जब इधर उधर डेविएट हो जाते हैं तो वो एक्सपेंशन रुक जाता है। और जब भी हम द्वैत में कोई एक साइड लेते हैं, चर्चाओं में फंसते हैं तो बहुत रुकता है। तो जब बिल्कुल जागरूक होके आने वाला समय मुझे अपने आप को सोलर फ्लैश के लिए तैयार करना है, अपनी थर्ड आई को खोलना है, मेरे पास फुर्सत नहीं। जब बहस की बात आए, कोई कह रहा है कि पनीर टिक्का लेना अच्छी बात है, ठीक है ले लो भाई, मैं तो इस हद तक भी बहस बिल्कुल रोक देता हूँ, क्योंकि मुझे अपना काम करना है, अपने को भी तैयार करना है और बात भी बतानी है। अब जब से मैंने बताना शुरू किया, लोग बड़े अजीब अजीब से कमेंट लिखते हैं मेरी पोस्ट पे। एक लिखता है कि आप सबसे बड़ी डार्क फोर्स हो, आप कहते हो कि गुरु और स्पिरिचुअल लीडर खराब है। तो लेकिन विरोध नहीं, बीच में रहना, अपने आप को ये इंपॉर्टेंट है। कुछ खाने पीने की चीजें अच्छी हैं, जैसे जर्मनी में ओरेगन जीरा टाइप का होता है, अब मैंने देखा इंडिया में मिल रहा है प्योर ओरेगन आई ऑयल, ओरेगन ऑयल ऑयल है, बहुत तेज होता है, तो उसको 2-3 ड्रॉप ले सकते हैं। अगर बहुत तेज लगे स्वाद में, बिल्कुल आपको लगे यहाँ पे जलन हो रही है, तो आप ओलिव ऑयल या किसी खाने वाले ऑयल से मिक्स करके ले सकते हैं। या इंडिया में ज्योतिषमती तेल है, ये भी अच्छा है, ज्योतिषमती तेल है, इस मालकंगनी भी बोलते हैं इसको, मालकंगनी या ज्योतिषमती, इसके दो नाम है। ये इंटेलेक्चुअल के लिए ले अच्छा है, बच्चों को देंगे, बच्चों का माइंड विकसित होगा, उनके न्यूरॉन्स खुलते हैं। इस तेल की सिर्फ एक ही कमी है, ये कोमा को तोड़ने के लिए आयुर्वेद में यूज करते थे, कोई पेशेंट कोमा में चला जाता है तो इस तेल को लेते हैं तो नींद कम हो सकती है, क्योंकि आप जाग जाते हैं, तो नींद की रिक्वायरमेंट कम हो, तो उसकी स्लीपलेसनेस की स्टेज से बचना चाहते हैं, तो छोटी मात्रा में स्टार्ट, एक बूंद से शुरू करें। अगर शरीर एक बूंद सहता है तो 2-3-4 बढ़ाते जाए क्वांटिटी। ज्योतिषमती तेल ले सकते हैं, मोनो एटॉमिक गोल्ड है, या इसको कोलेडियल गोल्ड बोलते हैं, ये भी थर्ड आई के लिए अच्छा है। मोनो एटॉमिक गोल्ड, गोल्ड को हम नहीं खा सकते, बॉडी पचा नहीं सकती है, लेकिन उसका उसका एक एटम हम कर लेते हैं, उसको मोनो एटॉमिक बना देते हैं, तो वो बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सकती है। इस तरह मोनो एटॉमिक गोल्ड बोलते हैं, लिक्विड फॉर्म में मिलता है। मैंने आज देखा था, क्योंकि मैं कल बताना चाहता था, इंडिया में जो मिल रहा है बहुत लोअर क्वालिटी में 40 ppm है, मतलब पार्टिकल पर मॉलिक्यूल, या मुझे पता नहीं पीपीएम उसकी जो यूनिट है, बहुत छोटी। मेरे पास जो है वो 2000 ppm का है, जर्मनी का जो उसको मिले उसको आप ऐसी ये चीजें खाने पीने की। मुझे किसी ने बताया कि नींबू को काट के पाँव के तलवे के नीचे रात को बांध लो, तो ये पीने ग्लैंड को डी क्लासीफाई करता है। ये कर सकते हैं, हल्दी तो हमारे खाने में है ही है, इमली भी कहते हैं कि थर्ड आई के लिए अच्छी है। लेडीज इमली खा सकते हैं आपकी yes. थोड़ी सी मात्रा में ले सकते हैं। स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट ये क्या है? ये तो इसके बारे में तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, हर जगह जो हो रहा है वो स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट है। जो सीरियस स्पिरिचुअलिटी है वो काम है, वो एक सीरियस काम है, उसमें आप अपनी अपनी शेडोज को अपनी आंखों से देखते हो, वो अनकंफर्टेबल है, उस पर काम करना कठिन है। इसलिए जो स्पिरिचुअलिटी के नाम पे जो 3 पिलर में तीसरा पिलर है वो भी, और ह्यूमैनिटी भी अपने कंफर्ट जोन में, सारा जो कुछ स्पिरिचुअलिटी के नाम पे होता है वो स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट है। अब जैसे मान लो रात्रि जागरण होता था, देवी जागरण कहते थे, मैं समझता हूँ फेमिनिन एनर्जी को जगाने की कोई विधि होगी, जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है उसको जगाने के लिए पूरी रात की कोई एक साधना होगी, देवी जागरण। अब क्या बचा, इतने तेज म्यूजिक पे, फिल्मी गानों पे बने हुए जागरण और खाना, और खाना तो अजीब अजीब सी, हाँ अजीब, वो खाना भी ऐसा, वो खाना किसी साधक के लायक नहीं, रसगुल्ले से लेकर पूरी, वो तो सारे खाते है ना, तो वो देवी जागरण बची। एक शिवरात्रि अभी तक बची हुई थी जिसपे इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी,
सदगुरु का अगर कोई इवेंट देख ले जो शिवरात्रि पे करते हैं, 10 दिन चलता है, तो उन्हें पता लग जाएगा वो भी इंटरटेनमेंट बचा है, वो भी इंटरटेनमेंट में कन्वर्ट हो गया। हरे राम हरे कृष्णा के मूवमेंट देख लो, डांस, खाना, भगवान को भोग लगाना, भोग तो खाना तो खुद है, ऐसा भगवान को भोग लगाना जो खुद भी ना पचे ये सब स्पिरिचुअल ट्रेट एक्चुअली जो मीरा बाई ने जो किया था वही भक्ति श्रेष्ठ है मेरे हिसाब है। से। बहुत कुछ है, भक्ति बहुत कठिन है, भक्ति उस लेवल पे नहीं सबकी, करते। क्योंकि मैंने कहा ना प्रेम की, अभी वो भक्ति प्रेम जो है कॉन्शियसनेस की एक स्टेज है। अगर हम कॉन्शियसनेस को 0 से लेकर 1000 तक नापें मैथमेटिकल डिस्कस करने के लिए, तो जो प्रेम है वो 500 के ऊपर की स्टेज है। 700 एनलाइटमेंट है, एनलाइटमेंट की भी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, तो 700 जिसको हो जाता है कॉन्शियसनेस वो एनलाइटेंड माना जाता है। 500 जो है आप सोचो कि किस क्या स्टेज है प्रेम का। और मीरा तो 700 या 1000 है, वो तो लाइट बॉडी में कन्वर्ट हो गई थी, लेकिन वो स्टेज लोगों की है नहीं। भक्ति के नाम पे स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट, मैंने पहले बोला कि राम की जो टीचिंग है, तुलसीदास वाली रामायण नहीं, वाल्मीकि वाली रामायण नहीं, वशिष्ठ महारामायण टीचिंग है। अब रामायण का सुंदरकांड का पाठ होता है और सब काम होते हैं, सब सब एंटरटेनमेंट। यही बाधा है, कि इसलिए बाधा है क्योंकि आदमी सोचता है कि मैं स्पिरिचुअलिटी में कुछ कर रहा हूं, टाइम वेस्ट कर रहा है। ना करे तो कम से कम कभी उसकी आत्मा झकझोरेगी कि कुछ करो तो वो कुछ करेगा असली। इसमें फंसा होके वो सोचता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं, तो वो ये कभी जागेगा भी नहीं। ये इसका एक और दुर्भाग्य है। फास्टिंग है, बहुत अच्छी है, हमारे शरीर में आकाश तत्व की उत्पत्ति होती है, हम हेल्दी होते हैं और खाली होते हैं, तो इस खालीपन में डिवाइन विचार आ पाता है। हम इतने भरे हुए हैं अपने विचारों से और खाने से भी। अब फास्टिंग भी स्पिरिचुअल इंटरटेनमेंट, देखो फास्टिंग के तरीके कितने हमने हाँ अच्छे बना बहुत लिए बहुत हो हैं। रहा है। बहुत कुछ फास्टिंग वाली चीजें मिल रही है। यस, हल्दीराम में नवरात्रों के दिनों में वो नवरात्रि थाली है, अरे आती है यही सब। सब स्पिरिचुअल इंटरटेनमेंट है। भटकाओ, हाँ क्या अब ये जो हमारे ग्रुप मेंबर्स है ठीक है, ये पॉलिटिका के बारे में जान रहे हैं, लेकिन मान लीजिए उनकी फैमिली वाले प्रेशर कर रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए? किनके बारे में आपने बोला, जो हमारे ये जो हमारे फैमिली मेंबर्स है अभी, जो अभी 2 मेंबर्स अभी सुन रहे हैं आपको, उनको पता चल गया है पॉलिटिक्स के बारे में ठीक है, लेकिन फ्यूचर में ऐसी कुछ सिचुएशन आती है कि थर्ड लेवल थर्ड है फोर्थ से लेना पड़ रहा है, फैमिली वाले प्रेशर में आ रहे हैं, या फिर हो सकता है कि उनको नहीं लेना है लेकिन उनको बच्चे को वो तभी भेजेंगे जब उनका बच्चा वो पनीर टिक्का ले लेगा, या वो खुद पनीर टिक्का ले लेंगे तभी वो उनके बच्चे स्कूल में जा पाएंगे या जॉब कर पाएंगे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और इस प्रश्न से सबको कभी ना कभी गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जो हालात बनेंगे ये प्रश्न आना ही है सबके सामने। तो बहुत क्लियरिटी हो, क्या ह्यूमन 3.0 की तरफ एक कदम बढ़ाओगे या नहीं, क्या उसको रोकने की कोशिश करोगे या नहीं, अपने लिए, अपनी पीढ़ी के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए। और आने वाली जनरेशन प्रश्न पूछेगी तो क्या जवाब दोगे कि हमने क्या किया, इसका उत्तर आपको खुद सोचना है। और परिवार का दबाव जो है, फ्री विल सबसे बड़ा अलाव है, आखिरी में सबने अपनी यात्रा अकेले करनी है। इस थर्ड डायमेंशन की बिल्कुल मैट्रिक्स में किसी कारण से हम सब इवॉल्व होने के लिए या किसी कार्मिक बंधन से आए हैं, सारे बंधन टूट के हम फिफ्थ में जाएंगे, एक भी यहाँ की चीज तो जाएगी नहीं, ना कार्मिक बंधन ना कार्मिक कनेक्शन। मैं कहता हूं कि पूरी पृथ्वी जाएगी, इतना बड़ा पोर्टल खुलेगा कि पृथ्वी थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन में शिफ्ट करेगी। इसके बावजूद भी हर एक इंडिविजुअल को सुई की नोक से पार करना पड़ेगा, सुई का जो छेद होता है उसके अंदर से पार करना पड़ेगा। अकेला वो जा पाएगा, उसका स्टेटस, उसकी परिवार, उसकी संपत्ति, उसकी कोई भी चीज थर्ड डायमेंशन की उससे नहीं जाएगी, परिवार भी नहीं। परिवार को अगर वो तैयार नहीं है, अगर वो तैयार नहीं है तो उनकी फ्री विल का सम्मान करें, अपनी आपको मिडिल में रखें, उनसे बहस ना करें, है ना, क्योंकि उनकी फ्री विल है। उनकी एक बार बताया, दो बार बताया और हर बार बताएंगे, लेकिन बहस करके कोई उनको फायदा नहीं है।
लेकिन हम उनके दबाव में भी नहीं आएंगे, हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे और अपने दबाव में नहीं आएंगे। यही एक तरीका है, और इस प्रश्न से तो कभी ना कभी सबको गुजरना ही पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा आपका ये कदम ग्रेट रीसेट की ओर है या ग्रेट अवेकनिंग की ओर है। अगर ये कदम ग्रेट रीसेट की ओर है तो क्या ये कदम उठाओगे? ये तो आपकी कॉन्शियसनेस से ये जवाब लेना है। फिफ्थ डायमेंशन जो है वो डर से मुक्त है, वहां पे डर नाम की कोई चीज नहीं। जो कॉन्शियसनेस के लोअर लेवल पे शर्म होती है, अपराध बोध होता है, डर होता है, विक्टिम रोल होता है कि हम विक्टिम है। हमें अपनी क्षमताओं को जानने का ही ये प्रोसेस है, और डर से उभरने की परिस्थितियां बनेंगी। हर तरह का डर, बाहरी आंतरिक, अंदर के डर से अगर नहीं उभरे तो बाहर का डर प्रकट होके ही रहेगा। तो इस पे काम सबने करना है, अपने डर के ऊपर आपको काम करना है। तो डर कोई नरेंद्र मोदी का ही थोड़ी है कि वो या उसके डीएम का है, डर अपने परिवार का भी है। ये भी तो उसी डर का हिस्सा है कि हम परिवार का दबाव, बाहर का दबाव सरकारी या अपने परिवार का दबाव, दोनों से उभरना है। किसी भी तरह का डर फिफ्थ डायमेंशन में आपको नहीं जाने देगा, रोक लेगा। मैंने एक वीडियो देखा था जो चाइना में अभी हो रहा है, तो उसमें तो जो ओपीपी किट पहने हुए हैं और उनको गन भी दे गई, मैंने देखा कि गन भी दे गई उनको कि जो भी आ रहा है उनको पकड़ के ले जाओ और अगर नहीं मान रहे तो गन से शूट करना। फिलीपींस में है ये, तो इस तरह की सिचुएशन अगर आ रही है हमारे ही संदेश मेरे ही सामने घर के सामने आ रहे हैं वो सब लोग, उस टाइम क्या करूंगा हम? मैं तो शरीर गन लेके खड़े मेरी लाश पे लगाऊंगा, मेरे शरीर पे नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि मैं कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, मैं उस जीवन को जी ही नहीं सकता जिसमें मैं गुलाम बन जाऊं। मेरे लिए ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी का मतलब ही खत्म हो जाएगा। मुझे ट्रांस ह्यूमन नहीं बनना, मैंने नहीं बनना, लेकिन हर एक की चॉइस है। मेरे लिए ये चॉइस, मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती, मेरे लिए चॉइस एग्जिस्ट नहीं करती। ये दो रास्तों में दूसरा रास्ता मेरे लिए बंद है। नहीं, मैं भी यही करूंगा, वाकई इन सबके सामने मैं कह रहा हूँ मैं भी यही करूंगा। लगाना तो लगा दीजिए, लेकिन ये तो नहीं, नहीं जी, जो होगा देखा जाएगा। इसको हम रोकेंगे, और अब समय बहुत ज्यादा नहीं, ये इससे ज्यादा दबाव बना नहीं सकते। अगर 2025 में सोलर फ्लेयर है उसके तो आखिरी का समय, जो युद्ध ज्यादातर लोग सोचते हैं, मैं जो स्पिरिचुअल है, जो सोल फैमिली है, मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ, वो सोचते हैं कि कभी युद्ध शुरू होगा ग्रेट रीसेट और ग्रेट अवेकनिंग में। हम इस समय युद्ध में, हम दो सालों से, आप सोचो, आप डॉक्टर हो, आप जानते हो कि बच्चों में स्पाइक प्रोटीन नहीं था, ये तो आप नॉर्मल जानते हो, बच्चों में फैटलिटी रेट नहीं था। अगर शुरू में आप डर भी गए थे तो अब तो क्वेश्चन उठा सकते हो कि क्यों स्कूलों में मैंडेटरी कर रहे हो। ये सोचते हैं कि कभी कोई जब युद्ध होगा तब हम काम करेंगे, हमने जान लिया है। नहीं, ये जानना काफी नहीं है आपको इस सिस्टम को रोकने की, इस युद्ध के। अगर आप इसको नहीं रोक रहे तो आप सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हो। स्कूल का सिस्टम कहता है अपने बच्चों को भेजो लगवा के, आप लगवा रहे हो, आप सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये सब की जिम्मेदारी है, जो जान गए हैं उनकी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। जो सो रहा है उसको तो छोड़ो, वो तो ये मान रहा है कि एक बीमारी है और जिसकी वजह से मैं अपने आप को लगवा रहा हूँ, वो तो सो रहा है। तुम तो जाग गए और तुम तो सुन रहे हो कि एक प्लान का हिस्सा है, फिर भी नहीं अगर जाग रहे तो तुम तो ज्यादा निग्रस्त हो, है ना। जो सो रहा है वो तो कभी जागेगा, और जागेगा तब वो अपनी फ्री विल एक्सरसाइज करेगा किस तरफ जाना है। हो सकता है वो थर्ड डायमेंशन की ओर करे, हो सकता है फिफ्थ की ओर करे। आप तो जान के भी थर्ड डायमेंशन की ओर आपने अपना मुंह रखा है। सबसे पहले थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन की ओर शिफ्ट हो अपनी पूरा फोकस। फिर कितनी स्पीड से चलना है वो आपकी कॉन्शियसनेस डिसाइड करेगी। फोकस तो शिफ्ट हो, फोकस थर्ड डायमेंशन रखे कि अपने बच्चे को कहना है, ये सारे सिस्टम तो ब्रेक होंगे। अगर आप नहीं कर पाए, दोनों सिस्टम पैरेलल है, दोनों में अनंत जीवन है, दोनों में पढ़ाई खत्म हो जाएगी, दोनों सिस्टम में आप ग्रेट रीसेट होगा तो भी पढ़ाई के सारे स्कूलिंग सिस्टम फेल हो जाएंगे क्योंकि ट्रांसह्यूमन बनना है। ग्रेट अवेकनिंग होगी तो भी स्कूलिंग सिस्टम फेल हो जाएगा, तो कम से कम हम उसको रोकने के लिए तो अपना काम करें 2-3 साल के लिए। आप जो बोल रहे थे कि सब सिस्टम फेल हो रहे, जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ है, फाइनेंस है, फार्मा सिस्टम है, तो उसके बारे में आप बताएंगे?
ये सारे सिस्टम थर्ड डायमेंशन के लिए ही बनाए गए थे। थर्ड डायमेंशन का ये पोषण करते हैं, थर्ड डायमेंशन को सस्टेन करते हैं। जैसे मेडिकल है, फार्मा इंडस्ट्री है, बैंकिंग सिस्टम है। इंडिया में सब, आपको नहीं पता हो तो आप रिसर्च करो, 9 लोगों के पास 50% इंडियन की जो कंप्लीट वेल्थ है उसका 50% है, 9 लोगों के पास। गरीबी आर्टिफिशियल बनाई गई है इस सिस्टम के थ्रू, ये डिवाइड और हायरार्की मेंटेन रहती है। फिफ्थ डायमेंशन में इन सब की जरूरत नहीं है, इसलिए सारे सिस्टम फेल होंगे। बैंकिंग, फाइनेंशियल, फार्मा, जिसकी जरूरत नहीं है वो हट जाएगा। अब वहां पे ऐसी ऐसी फाइनेंशियल सिस्टम नहीं चाहिए, इसलिए सारी बैंकिंग फेल होगी। वहां पे बीमारी नहीं है, इसलिए फार्मा और मेडिकल फेल होगा। वहां पे ये एजुकेशन जो हमारी है ये गलत है, इस एजुकेशन की वहां जरूरत नहीं है। हमारी एजुकेशन में जो मैथमेटिक्स है, सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ, फार्मा का आप जानते हो, डॉक्टरी जब वहां पे फेल हो जाएगी क्योंकि उस तरह की डॉक्टरी की जरूरत नहीं है जो अभी है। हमारी मैथ का बेस 10 है, हम 10, 100, ये हमारी मैथ का जो बेस है वो 10 है। ब्रह्मांड जो है इसका पूरा, जो इसको समझने की लोग जो बात करते हैं, इसका बेस 12 है। जैसे हमारे 12 महीने हैं, 12 राशियां हैं, घड़ी में 12 घंटे हैं, ये बाई चांस नहीं है। इनका बेस 12 था, हमारा बेस 12 से 12, 10 करके हमारी जो मैथमेटिक्स बनाई गई वो मैथमेटिक्स उस युग के लिए इनवैलिड है, एक्सपायर्ड सिस्टम है, तो ये ऑटोमेटिकली फेल होना है। तो जब फेल होना है तो बच्चा जाए या ना जाए क्या फर्क पड़ता है? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए कि हमारे बच्चे को स्कूल में भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए? मैं तो समझता हूँ कि पेरेंट्स जो जो मीटिंग है, पेरेंट्स बच्चे को स्कूल में भेजना चाहिए कि नहीं, ये बच्चे की रिस्पेक्ट करें, बच्चे की फ्री विल को रिस्पेक्ट करें। मैंने अपनी बेटी से पूछा कि ये सिचुएशन है, वो बहुत अच्छी सोल है, वो बात को समझती है, तो मैंने कहा कि अगर आने वाले समय में ये कंपल्शन हुआ कि पापा फिर मैं स्कूल थोड़ी जाऊंगी, मैंने कहा यस, एक साल नहीं जाएगी या 2 साल, 2025 माने 3 साल स्कूल नहीं जाएगी तो जीवन थोड़ी बदल जाएगा। जीवन लेडीज का, गर्ल्स का, इनका पूरा फर्टिलिटी सिस्टम डैमेज हो रहा है। एज ए डॉक्टर आप बेटर जानते होंगे, लेकिन लोग जानते हैं ना। और जरूरत क्या है, यूएसए में 6 महीने से लेकर 5 साल के बच्चे के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर चुकी है मॉडर्ना कर चुकी है। ये बच्चे को लगा के भेजना चाहते हैं, पैदा हुए न्यूली बॉर्न बच्चे को। सोचो इनका षड्यंत्र, और इस षड्यंत्र के लिए अपनी ताकत, भगवान की तरफ से युद्ध करना है या कौरव की तरफ से युद्ध करना है, चॉइस है। ईश्वर का लॉ बिल्कुल क्लियर है, डर लगता है। सामने बंदूक लेके मेरे सामने भी कोई खड़ा होगा कि ये लेना है या ये लेना है तो डर लगेगा, लेकिन मेरा डर जो है वो अर्जुन का है। जैसे अर्जुन को पहले चैप्टर में डर लगा था सामने इतने बड़े बड़े योद्धा देख के, लेकिन फिर भी वो भगवान के साथ रहा, उसने कहा युद्ध करूंगा, मैं युद्ध करूंगा, मैं उस तरफ से युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध करूंगा, लेकिन ये मेरी चॉइस है। फाइनेंशियली आप क्या सलाह देना चाहेंगे हम सब? फाइनेंशियली तो इतना मुक्त हो जाए कि अगर सिस्टम कल टूटता है और कल के बदले आज टूट जाए तो आप सोचो कि टूट गया। लेकिन दूसरी फाइनेंशियल जो आपने सलाह, शायद मैंने गलत उत्तर दिया, कुछ कैश इन हैंड रखना चाहिए अगर बैंकिंग सिस्टम फेल हो तो, क्योंकि एक समय जो अफरा तफरी मचेगी, वैसे तो वो कॉन्शियसनेस जो आपकी जैसी है उसी परिस्थितियों में आप रह पाएंगे, आपकी रियलिटी आपकी कॉन्शियसनेस क्रिएट करेगी, लेकिन फिर भी माइंड में थोड़ी सिक्योरिटी रहती है। अगर कभी सडनली इंटरनेट फेल या बैंकिंग फेल होना शुरू होती है, कैश इन हैंड हो या छोटे मेटल रख सकते हैं, सिल्वर के छोटे टुकड़े हो जिसको एक्सचेंज कर सकें, टाइम बीइंग, जब तक एक नया सिस्टम नहीं आता। जिस तरह मेडीबेड तैयार हैं उसी तरह जेसेरा, इसको बोलते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल, मुझे इसका फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा, सबको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा क्वांटम फाइनेंशियल सिस्टम से सोलर फ्लैश के बाद। डरने की बात नहीं है ये सिस्टम, डरने की बात नहीं है, इनका जाना ही अच्छा है। इमीडिएटली नए सिस्टम जो हैं वो तैयार हैं, थोड़े समय की अफरा तफरी के बाद। क्या नाम बोला आपने, जेसेरा? जेसेरा, JSERA ऐसा कुछ है। नेसेरा नेशनल है यूएसए की गवर्नमेंट के लिए, और जेसेरा ग्लोबल है। नेसेरा नेशनल इकोनॉमिक सर्वाइवल, यस इसका है फुल फॉर्म, मैं आपको देख के बता दूंगा वो भी। यानी इस तो के अभी आप
ऐसा कह सकते कि एटलीस्ट सर्वाइवल के लिए अभी जितना हम कर सकते हैं करें, बहुत ऐसा नहीं अरे मुझे बहुत कमाना है इतने करोड़ों है सब, कुछ इतना तो अभी नहीं करना है। इसके लिए इसके अच्छा तो हम इतनी एनर्जी वहां पे लगाए, इससे अच्छा कि हम एनर्जी अपने अंदर लगाएं। सिर्फ अपने ऊपर काम करें, क्योंकि जो होने वाला है वो इतना बड़ा है, अगर आपने कर खरबों रख भी लिए और सोलर फ्लैश के बाद पागल हो गए तो किस काम के। अपने अंदर बात इतना स्टेबिलिटी हो जाए, और मैं ये कहता हूँ जो मेरी गुरु जो इतना जानती हैं और इस हद तक मुझे बताती हैं, कुछ महीने पहले तक वो उन्होंने मुझसे कहा था, प्रवीण मुझे भी नहीं पता कि मैं खुद तैयार हूं, इसकी ग्रेविटी इस बात से समझे, अपनी तैयारी पे कोई भी ढील नहीं, ये हमारा काम है। फूड क्राइसिस के बारे में थोड़ा बताएंगे, किसके बारे में? फूड क्राइसिस। फूड क्राइसिस जैसे एक नकली बीमारी बनाई है लोगों को डराने के लिए, ऐसे ही एक नकली आर्टिफिशियली फूड शॉर्टेज क्रिएट की जा रही है महंगाई बढ़ाने के लिए। 90 करोड़ लोग भारत में 5 करोड़ राशन पे सीमित हो गए हैं, और वो उनकी मजबूरी, अगर उनसे कहा जाएगा कि आपको ये लगवानी है चिप या कोई भी चीज तभी आपको राशन मिलेगा, ये एक रिकॉर्ड है, तो वो लगवाने के लिए मजबूर हैं। ये फूड क्राइसिस की वजह से महंगाई क्रिएट करना, गरीबी पैदा करना, लोगों को घुटने पे टेकना कि वो घुटने पे आके हमारी बात मान जाए, ये एक स्क्रिप्टेड इवेंट है। असली फूड क्राइसिस नहीं है दुनिया में, फूड क्राइसिस आर्टिफिशियली क्रिएट की जा रही है। रूस और यूक्रेन की वार भी आर्टिफिशियली क्रिएट की गई है ताकि महंगाई बढ़ाने का बहाना मिल जाए, कोई पूछ नहीं पाए महंगाई क्यों बढ़ रही, महंगाई बढ़ा रहे हैं, ये सारे स्क्रिप्टेड इवेंट है डार्क फोर्स के, स्क्रिप्टेड है, प्लांड किया हुआ, इन्होंने इसको स्टिमुलेट करके बोला हुआ है कि कौन अपने भाषण में कैसे बोलेगा। इसके सब वीडियो भी है, एजेंडा यूट्यूब में अवेलेबल है, अब तो कोई भी चीज छुपी नहीं है, नहीं छुपी है, नहीं छुपी। और जो श्रीलंका में हुआ हो रहा है, ईरान में हो रहा है, वो सब फूड क्राइसिस का हिस्सा लग रहा है मुझे। ये सब जगह करना चाहते हैं लेकिन नकली है, जैसे बीमारी नकली थी ऐसे क्राइसिस नकली है, असली क्राइसिस नहीं है, जला रहे हैं अनाज को। मान लीजिए फ्यूचर में फूड क्राइसिस आ रहा है, ठीक है, तो वो कितने समय तक चल सकता है और इसमें हम कैसे प्रिपेयर रहे हैं? जो फूड क्राइसिस इतना हद तक नहीं आ पाएगा कि लोगों को भुखमरी आ जाए, ये नहीं आ पाएगा, लेकिन एक 10 days ऑफ डार्कनेस की बात होती है कि उसमें सडनली ये ब्लैक आउट करके अफरा तफरी इतनी मचाएंगे और अंधेरा हो जाएगा, लाइट नहीं होगी, इंटरनेट फेल हो जाएगा, लोग घरों में बंद हो जाएंगे। 10 दिनों का खाना और पानी अगर सब लोग सेफ रख सकें तो एक बड़ी अच्छी बात है, आपको मेंटल सिक्योरिटी देगा कि हमारे पास हमने साधन रखें, ऐसी चीजें जो जल्दी खराब नहीं होती हैं, दाल चावल चीनी शक्कर खराब नहीं होती, 10 दिन कोई बड़ी बात नहीं है एक परिवार के लिए, लेकिन पानी की भी एक समस्या है, पानी 10 दिन का रख पाएंगे क्या, क्योंकि पानी गवर्नमेंट की सप्लाई बंद हो जाए तो अगर आपके पास बोरिंग है और इलेक्ट्रिक भी चली जाए तो क्या हैंडपम्प है, या पानी को इतना स्टोर कर सकते हैं कि कम से कम समय में। बहुत सारे लोगों ने तो तरीके यहाँ पे ढूंढे हुए हैं, जैसे उन्होंने खाने वाला सोडा इकट्ठा कर लिया है, तो वो खाने वाले सोडे से अगर नहाना ना पाए, पानी नहाने के लिए पानी ना हो तो शरीर में पसीना है, तो एक बार शरीर को गीला हाथ लगा लिया, सोडे से लग लिया और फिर गीले हाथ से साफ कर लिया, तो बालों के शैम्पू का भी काम करता है, कंडीशनर का भी। ऐसे लोगों ने सर्वाइवल टेक्निक अपनाई, लोगों ने पढ़ी है, अपने आप इम्प्लीमेंट किए और अपने आप को तैयार किया है 10 days ऑफ डार्कनेस के लिए। तो ये आप जो करना चाहे कर सकता है, 10 दिन का इसमें कोई बुराई नहीं है, है ना, 10 दिन का राशन अगर इकट्ठा कर लिया। नहीं, 10 दिन का राशन तो नहीं सकता, सिर्फ पानी की दिक्कत हो सकती है, पानी की दिक्कत आती है इसलिए बताया पानी है। और कम्युनिटी बनाए अपने आसपास के लोग एक दूसरे को सहयोग करें ताकि अफरा तफरी ना मचे, लोग डरे ना, जब हम डरते हैं तो कॉन्शियसनेस एकदम से नीचे चली जाती है, डर बहुत लोअर फ्रीक्वेंसी है और हमारी अर्थ की फ्रीक्वेंसी उठ रही है, इसीलिए डराने वाले काम करते हैं, जैसे डरा सेल सिकुड़ जाते हैं, तो ये सारे हमें डराने वाले काम कर रहे हैं और करेंगे। हमारे पास कितना समय है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है लेकिन इसका कोई अच्छा उत्तर नहीं है। उसका कारण ये है, जो सोलर फ्लैश है ये इवेंट है, इस इवेंट के बाद पुराना धाराशाही होना शुरू हो जाएगा, वो इवेंट है, वो मार्क लाइन है, युद्ध अभी भी है लेकिन उस युद्ध में एक तरह से हम जीत गए, जीतना तो गलत शब्द है, उस युद्ध में एक बड़ा
क्रांति हो गई ग्रेट अवेकनिंग और ग्रेट डिसेंट के लिए। ये इवेंट को कभी भी डिवाइन डिस्क्लोज नहीं करती है कि कब होगा, क्योंकि ह्यूमन कॉन्शियसनेस इसमें डर भी सकती है या ह्यूमन कॉन्शियसनेस इस रियलिटी के साथ भी डर सकती है, तो वो कभी डेट नहीं बताते। लेकिन जो डिवाइन मैसेजेज हैं, जो सोलर वेदर को लोग वॉच करते हैं, उसमें एक सोलर मैक्सिमम माना जाता है और एक सोलर मिनिमम माना जाता है। सोलर मैक्सिमम की जो साइकिल है वो 2025 तक है, ये मोस्ट प्रोबेबल साइकिल है। मोस्ट प्रोबेबल जो सोलर फ्लेयर बोल रहे हैं वो 2025 तक ऐसा जो जो लोग इस फील्ड में ज्यादा रिसर्च करते हैं उनका ऐसा मानना है कि एक पॉसिबिलिटी 2025 है, दूसरी 2030 है, वो सोलर मिनिमम है। एक सोलर मिनिमम का एक समय 2025 है, सोलर एक का समय 2030 है। लेकिन ये जब भी होगा अनप्रिडिक्टेबल होगा, कोई भी इसको कोई नहीं ना, और ये कल भी हो सकता है कभी भी हो सकता है, वो इतना ये मान के अब ये जो हम जो सोल ग्रुप है ठीक है, या ऑलमोस्ट सभी ह्यूमन कॉन्शियसनेस का समझे कि वो सब किसी न किसी उलझन में फंसे हुए, चाहे जॉब का हो या फैमिली का हो, या उनकी कोई अपनी दिक्कतें हो सकती हैं, परेशानियां हो सकता है, हेल्थ का हो, फाइनेंस का हो, या रिलेशनशिप का हो, इन सब के बावजूद भी क्या वो अवेकन हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? बिल्कुल हो सकते हैं, पूरी संभावना है, क्योंकि ये ब्रह्मांड का प्लान है, दिव्य प्लान, सबको मौका देने के लिए, हाथ से सहारा देके उठाने के लिए इम्प्लीमेंट हो रहा है। इनकी सिर्फ फ्री विल है। अगर वो इस ड्रामा में, जो थर्ड डायमेंशन का ड्रामा है, इससे वो अभी नहीं उबे हैं, इसमें ही रहना चाहते हैं, तो उनके लिए परिस्थितियां ऐसी बना दी जाएंगी कि वो ना उबर पाए। लेकिन जिनके अंदर भी है, सबका जीवन ही तो धरती पे अभी तक तो ऐसा ही था, थर्ड डायमेंशन का था, और थर्ड से फिफ्थ में जाने के लिए उनको काम करना है। अपनी पहला चीज अपनी फ्री विल, अपनी फ्री विल में बिल्कुल क्लियर हो, जैसे मेरे लिए है कि गोली या टिक्का तो गोली इतनी क्लियर फ्री विल, तो आपके लिए अपने आप परिस्थितियां बना दी जाएंगी, परिवार में होने के बावजूद, पारिवारिक दायित्व को निभाते हुए, सभी तो परिवार में। अब कार्बन जो प्रेडिक्शन, यानी कि ऐसा भी सुना है कि ये जो हो रहे डार्क फोर्स, वो कार्बन जो हम लगाते हैं यानी बाहर लगाते हैं, तो उसके हिसाब से वो कुछ वैल्यू डिसाइड करेंगे, और उसके हिसाब से भी वो आपको उतना ही पैसा देंगे या फिर उतना ही माल सामान देंगे खाने के लिए, ऐसा भी सुना है। तो ये अली बाबा बता रहा था कि अभी उसने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अभी 2 दिन पहले बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो ऐसा ट्रैकर बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, जिसमें कोई आदमी कितना कार्बन को वो कंज्यूम कर रहा है, कार्बन एक्सट्रैक्ट कर रहा है, या पता नहीं क्या शब्द है, वो नाप सकते हैं पूरी ह्यूमैनिटी को, और उसके बेस पे सोशल क्रेडिट सिस्टम बना के वो किसको क्या मिलेगा डिसाइड करेंगे। ये वो करना चाहते हैं, ग्रेट रीसेट है, लेकिन ये होगा नहीं। ये वो करना चाहते हैं गुलाम बनाने के लिए, बता रहा हूँ कि एनवायरमेंट इशू नहीं है, जो ये कहते हैं झूठ बोलते हैं, जैसे झूठी बीमारी है, झूठी महामारी है, झूठी फूड क्राइसिस है, ऐसे ही ये एनवायरमेंट का ये ढोंग है हमारे अंदर अपराध वोट डाल के अपनी प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन ये ट्रैकर बना रहे हैं, ये सच है, अली बाबा ने 2 दिन पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में बोला है, जिसमें हमारे देश के बड़े एनवायरमेंटलिस्ट सदगुरु जग्गी वासुदेव हैं, पूरी डाकपुर का हिस्सा है, वो वहां बैठे हुए हैं। ये नदियां सूख रही हैं और नदियों के लिए जो यात्रा कर रहे हैं, ये सब दिखा हुआ है। अच्छा, ये हमें लगता है कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं उनका, हमारे गुजरात में आए हुए हैं सब उसी प्लान का हिस्सा करते हैं, जिनको लुकिंग ग्लास की एक्सेस है और जिनके पास टेक्नोलॉजी की एक्सेस है, और डाकपुर का हिस्सा बने। अब हम हमारे जो सोल ग्रुप से हैं, उनके अगर कोई क्वेश्चन है तो हम लेना चाहेंगे, तो सभी मेंबर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, अपना हैंड रेज करें, जिसको भी क्वेश्चन पूछना है सर। ठीक है, निरुपमा जी सर, उनको अनम्यूट करके आप उनको बताएं, वो अपने निरुपमा जी अनम्यूट कर सकते हैं।
ठीक है निरुपमा जी, अपने अनम्यूट करें और सवाल यस पूछें। करती हैं। नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते जी। सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हम जो 3D से 5D जा रहे हैं, तो ये उसके बीच का 4D क्यों नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम थर्ड डायमेंशन की जब जेल में कैद रहते हैं तो हमारा जीवन है, ये थर्ड डायमेंशन है। जब हम मर जाते हैं तो ये फोर्थ डायमेंशन है, सूक्ष्म शरीर है, लेकिन तब भी बाहर नहीं निकल पाती, चेतना इसी कैद में रहती है, थर्ड या फोर्थ में, शरीर में या मरने के बाद। तो इसके हम अब शरीर से पहली बार हम फिफ्थ डायमेंशन में जा रहे हैं, इन इसके बियॉन्ड, इसीलिए ओके इसका शब्द जो है फिफ्थ डायमेंशन। अच्छा ठीक है सर। एक और क्वेश्चन है, आपने कुछ पोर्टल के बारे में बताया था, तो वो क्या है, थोड़ा समझाएंगे? जो स्पेस और टाइम है, हम अभी ह्यूमन की जो चेतना है वो बहुत छोटी है, तो वो स्पेस और टाइम को मैनेज नहीं कर पाती। उसके लिए टाइम लीनियर है, पास्ट टेंस, और आज का भी मोमेंट हम बात कर रहे हैं, और फ्यूचर टेंस। अगर हम स्पेस टाइम को मैनेज कर सकें तो हम स्पेस को भी मैनेज कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बोला था। तो जब कभी हम पॉइंट ए और पॉइंट बी जो बहुत दूर हैं उनको सर्किल बना के पास ले आए, मान लो ये तो इतनी दूर है, इसको हम सर्किल बना के यूं पास ले आए, तो स्पेस और टाइम दोनों कंट्रोल हो गए, इसको पोर्टल बोलते हैं। इसकी इक्वेशंस हैं और इस इक्वेशन को एक फ्रीक्वेंसी के थ्रू खोला जा सकता है, और इस पोर्टल के थ्रू ट्रेवल करते हैं जो लोग टेलीपोर्टेशन करते हैं, उसमें पोर्टल खोलते हैं। हम लोग भविष्य में ब्रह्मांड में ट्रेवल करेंगे, टेलीपोर्ट करेंगे। मैं यहां से गुजरात में, आपको अगर मुझे बोलना होता तो मैं वहां पे प्रेजेंट आके बोल सकता था, पॉसिबल है, आने वाले समय में होगा। अच्छा ओके और थैंक यू पोर्टल सर। दोनों तरह के होते हैं, पोर्टल वन वे होते हैं, पोर्टल टू वे होते हैं, और एक फ्रीक्वेंसी एनर्जी से एक डिफरेंट समय में वो पोर्टल खुले खुल भी जाते हैं और बंद भी हो जाते हैं। अच्छा सर मैंने ओके ऐसा सुना है कि हर महीने की, जैसे कि जनवरी है तो उससे महीने की पहली तारीख, फिर फेब्रुआरी है तो उससे महीने की दूसरी तारीख, ऐसे जो थर्ड थर्ड है, फोर्थ फोर्थ है, उस समय एक पोर्टल खोलते हैं, तो क्या ये बात सही? नहीं, ये एक लोगों ने न्यू एज जो बना रखी है, वो न्यू एज में इस तरह की डेट्स को वो इम्पोर्टेंट देते हैं। ये प्लेनेटरी कंडीशंस के हिसाब से पोर्टल खुलते हैं, ना कि हमारे द्वारा बनाई हुई डेट के हिसाब से। लेकिन कुछ लोग इस डेट में लोग साधना वाधना करते हैं तो ठीक है। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? अपना हैंड रेज करें अगर। यस सर, यस सर। हाँ कहिए। एक कैमरा भी है सर। हाँ कैमरा ऑन करें। हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्ते जी। अरे मेरा एक एक टाइम एंड स्पेस वाला आपने जो समझाया ना, मैं वही चीज में बिलीव करता हूँ, दैट दिस थिंग टाइम इज अ नॉट दिस लीनियर कंसेप्ट, दिस वो टाइम एंड स्पेस वाला। बट हाँ एक खाली एक ब्रीफ मुझे एक क्वेश्चन था कि अगर ये चीज में 5D में एंड दिस थिंग, तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस का क्या रोल रहेगा, मतलब व्हाट विल बी अवर रोल इन वन और टू लाइन सिंपल। एंड अनदर क्वेश्चन इज दैट इफ वी डिस्कस अबाउट दिस सद्गुरु थिंग एंड श्री श्री फाउंडेशन वट एवर, तो अगर मास मास इफेक्ट लाइक दिस दे आर क्रिएटिंग दिस मास इफेक्ट हिस्टेरिया, एंड उसके लिए मतलब अगर हमको मतलब कुछ करना हो क्रिएट, तो उसके लिए मतलब क्या है इसमें प्रोविजन इन दिस न्यू सिस्टम लाइक दिस मास हिस्टेरिया, ये इनका मतलब है कुछ कर रहे हैं एंड पीपल आर गोइंग लाइक क्रेजी। अगर आप सदगुरु देखे या श्री श्री रविशंकर देखे, लाइक ओशो डिड, ओशो रजनीश डिड बिफोर 30 years, हाँ तो वो आप उस पर अगर कुछ कुछ गाइडेंस दे सकते तो। देखिए ये जो मास हिस्टीरिया क्रिएट कर रहे हैं, यही हमें जगाने में भी हेल्प करेगा, लेकिन ये लोगों को बता रहा है कि हायरार्कीज जो बनी हुई है समाज में, एक तो गुरु का सिस्टम, ऐसा धरती पे जो हो रहा है जिसको एक ह्यूमन फील कर पा रहा है, और जो ये सो कॉल्ड गुरु है, अगर ये इसको महसूस नहीं कर पाए तो ये गुरु बनने के लायक नहीं है, ये जागृति की स्टेट आती है। और अगर ये जान गए और इसके अगेंस्ट नहीं बोले तो भी ये गुरु बनने के लायक नहीं है। तो इन दोनों केस में ये हमारी अवेकनिंग में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये बहुत मास हिस्टीरिया को इन्होंने जनरेट किया है, ये बात सही है। और पहला क्वेश्चन मैं आपका स्किप कर गया, पहला क्वेश्चन क्या था, टाइम और स्पेस को हमारी कॉन्शियसनेस का क्या रोल है, क्योंकि लिमिटेड कॉन्शियसनेस जो है वो लिमिटेड अपने पोटेंशियल को जान पाई है,
हम ह्यूमन हैं, हम ईश्वर हैं ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर कैद। तो हम अपनी लिमिटेड जो है पोटेंशियल को यूज कर पा रहे हैं, जो हमारा फुल पोटेंशियल है, इसीलिए हम स्पेस और टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। मेरी गुरु करती हैं, कई बार करती हैं, जब वो कभी समय उन्हें करना होता है तो कर लेती हैं। टाइम फ्लेक्सिबल है, ह्यूमन कंस्ट्रक्ट और ह्यूमन स्ट्रक्चर में ये लीनियर या 24 आवर्स में दिखता है। और अगर मैं आपसे कहूंगा कि टाइम मैनेजेबल है तो आप नहीं मानोगे, क्योंकि आप कहोगे क्यों, घड़ी में तो 24 घंटे, घड़ी तो अपनी स्पीड से चल रही है, घड़ी की स्पीड तो बदली नहीं, पूरे पूरी दुनिया की स्पीड कैसे बदल सकती है। नहीं, टाइम मैनेजेबल है, इजिली मैनेजेबल है, और हम इसकी कॉन्शियसनेस के नेक्स्ट लेवल पे इसको मैनेज करेंगे। और बहुत बड़े स्टेज में अगर हम देखते हैं, जो जो एक तो हर डायमेंशन का टाइम अलग है, हमारी थर्ड डायमेंशन का जो टाइम है 24 आवर्स, ये अलग है, ग्रेविटी से लिंक है, किसी और डायमेंशन में समय ज्यादा है या कम है। और बहुत बड़ी जो डायमेंशन से बहुत दूर से देखते हैं उनको, हर चीज एक 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 टाइम वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता, सब कुछ एक है। तो वो सिर्फ एक शब्द है मेरे लिए भी, मेरा एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली, इफ यू सी अर्थ फ्रॉम द मून देन आप इंडिया भी देख सकते हो और यूएस भी देख सकते हो, सेम वे, वही हुआ ना, यही हुआ, ऐसे ही है। और बड़े से देखोगे तो बिल्कुल सब कुछ एक है, डिस्टेंस की बात है। ओके, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? जो भी अगर स्पिरिचुअलिटी का भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनसे। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए। हाँ पूछिए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है, जो अभी नया एक एम वायरस आया है, उसका क्या रोल है, क्या ये सच है या ये भी क्रिएटेड है? सब क्रिएटेड है। एम वायरस ये डराने के लिए या बीच में दिखाने के लिए कि देखो आया था, हमने कुछ नहीं किया, मैनिपुलेट करने के लिए? एक्चुअली मैंने उसका देखा तो उसका जो इमेज बता रहे हैं ना, वो हाथ वाली जो नया वायरस है उसकी एक इमेज बता रहे हैं कि हाथ में कुछ हुआ है। एक्चुअली वो इमेज बहुत पुरानी है, तो तीन बार उन्होंने बताई हुई है, ये मैंने सर्च किया, मुझे पता चला उस इमेज के बारे में। वो तो सही था। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो अब लास्ट में सर आप ये हम सबको बताए कि आईडी में जाना है, ठीक है, ग्रेट अवेनिंग की ओर जाना है, तो हमें हमारी डेली लाइफ में हमें क्या क्या करना होगा, चाहे कोई मेडिटेशन हो या साधना हो या मेंटल इमोशनल स्टेट में हो, ठीक है, तो हमें क्या क्या करना चाहिए ताकि हम ग्रेट अवेकनिंग की ओर जा सके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पहले तो एक मैंने अपने ग्रुप में शेयर किया था, मैप ऑफ कॉन्शियसनेस इंटरनेट पे मिलता है, जिसमें मैंने बताया कि अगर कॉन्शियसनेस को 0 से 1000 के बीच में नापा जाए, उस कॉन्शियसनेस में देखिए कि हम कहाँ पे हैं और हायर पोटेंशियल क्या है ना। हम जॉय में रहते हैं, हैप्पीनेस में रहते हैं, मोटिवेटेड हैं, या हम डर में जी रहे हैं, शर्म में जी रहे हैं, अपराध बोध से जी रहे हैं। किसी तरह का अपराध बोध इस मैट्रिक्स के नियम से हमारे ऊपर उड़ा गया है, कोई भी पाप और पुण्य नहीं है। हम एक रोल कर रहे थे, हमने इस जीवन में ये रोल किया, किसी को अगर सताया भी है तो कोई भी विक्टिम नहीं है। दो लोग एक सिचुएशन को क्रिएट करते हैं एक्सपीरियंस करने के लिए, चाहे वो विक्टिम हो चाहे वो अपराधी हो। तो सारे अपराधों से मुक्त हों, अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज करते जाएं, क्योंकि अर्थ की फ्रीक्वेंसी रेज कर रही है। अर्थ की फ्रीक्वेंसी 7.83 हर्ट्ज जो श्यूमन रेजोनेंस है वो अबव 40 है, स्पाइक करती है। तो अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज करते जाए। फ्रीक्वेंसी का मतलब यही है कि डर शर्म इन सब से उबर के हैप्पीनेस, जॉय, उत्साह, प्रेम, प्रेम का अनुभव करें, मिडिल में रहें, बहस ना करें। खाने पीने में नेचर से जितना नेचुरल खाना खा सकते हैं उतना नेचर आपको सपोर्ट करता है, इंस्टेड ऑफ जंक फूड एंड ऑल दीज थिंग्स। फास्टिंग मैं बहुत करता हूँ, फास्टिंग मुझे फायदा करती है, अगर आप कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। जैसे आज मैं फास्ट पे हूँ तो मैंने 35 डेज सिर्फ पानी पिया है। और आप डॉक्टर हैं, यस, डॉक्टर अब मानते हैं कि अगर हम 5 दिन पानी नहीं पियेंगे तो मर जाएंगे। मैं आपको प्रूव करके दिखा सकता हूँ कि मैं 6 दिन पानी नहीं पीऊंगा, एक भी ड्रॉप पानी नहीं पीऊंगा, 50 डिग्री टेम्परेचर में नहीं पीऊंगा। मैंने ड्राई फास्ट करके देखा है, तो ये शरीर को खालीपन हेल्प करता है। अगर कर सकते हैं तो साइंटिफिक तरीके से फास्टिंग कर सकते हैं,
अपनी थर्ड आई के बारे में जो मैंने चीजें बताई हैं उनका इंटेक बढ़ा सकते हैं, थर्ड आई पे कोई ना कोई एक मेडिटेशन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी इंटेंशन, आपकी जो रियलिटी है आपकी कॉन्शियसनेस क्रिएट करती है, इसको अच्छी तरह जान लें। कोई भी चीज बाई चांस नहीं होती, हमारी कॉन्शियसनेस करती है। फिल्म का प्रोजेक्टर है आपकी फिल्म, आपका जीवन, आप ही डायरेक्टर हो, आप ही हीरो हो, ये प्रॉब्लम है। अब रोल जो भी आपने लिखा है चाहे वो खराब है या सही है, आप उसको झेलना पड़ता है। तो अपनी रियलिटी को मैनेज करें और जिस भी चीज को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उस पे एनर्जी फोकस करें। आज के लिए सबके लिए कलेक्टिव इम्पोर्टेंट है कि हम क्रिएट अवेकनिंग पे फोकस हो। दुनिया कितनी सुंदर होगी, प्योर वाटर, प्योर एयर, सब बराबर ब्रह्मांड में हम विचरण करेंगे। और हम में से क्या पता कि हम में से जो हम बातें कर रहे हैं सोल फैमिली के लोग, इसमें कौन सा स्टार सीड है जो ऊपर से नीचे धरती पे सस्पेंशन को सपोर्ट करने के लिए उतरा है, यहाँ पे आके भूल गया है, क्योंकि इस मैट्रिक्स का नियम है वापिस जाके वो अपने परिवार से मिलेगा, ब्रह्मांड में आनंद विचरण होगा। तो इसके बारे में फोकस रखें, ये रियलिटी क्रिएट हो जाएगी और निगेटिव जो प्रिडिक्शन है उनसे हर तरह से बचें। निगेटिव प्रिडिक्शन हमारी कॉन्शियसनेस रियलिटी क्रिएट करती है और ये बात डार्क फोर्स सबसे अच्छी तरह जानती है, इसीलिए वो मीडिया के थ्रू डर फैलाती है। निगेटिव जो जो आपको असेंशन की बातें भी कर रहा हो और निगेटिविटी के बारे में बताएं उसको मत सुने। ये नहीं है कि हम बिल्ली की तरह डर के बैठे हैं कि शिकार हमारा बिल्ली करने आ रही है, हम कबूतर आंखें बंद कर लेगा, इस भाव से नहीं, इस भाव से कि रियलिटी प्रिडिक्टेबल नहीं है, रियलिटी डायनामिक है, रियलिटी स्टैटिक नहीं है कि जो मर्जी कोई प्रिडिक्ट कर देगा। हमारी कॉन्शियसनेस क्रिएट कर रही है, तो हमारी कॉन्शियसनेस ने अभी तक जाग रही है, बहुत सारे लोग जाग रहे हैं, इनकी कॉन्शियसनेस नई रियलिटी को क्रिएट कर रही है। तो आप अपनी रियलिटी रोज क्रिएट करें, जब बेड में लेट सोने का समय हो गया थोड़ी देर, फिफ्थ डायमेंशन कितनी अच्छी होगी, है ना। हम फिफ्थ डायमेंशन में पूरी ह्यूमैनिटी असेंड कर गई विदाउट मच ट्रबल, डार्क फोर्स के सारे एजेंडे काम नहीं आए। ये नहीं सोच, मतलब डार्क फोर्स की तरफ फोकस नहीं, फोकस आसानी से सब लोग असेंड कर गए, ये सारी चीजें हेल्प कर सकती। और ये लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो एनलाइटमेंट है या एसेंशन, क्योंकि मैंने दो बुक्स पढ़ी थी, तो एक में लिखा हुआ था कि नहीं आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, दूसरे में लिखा कि नहीं आप चाहे तो इंस्टेंट कर सकते हो। तो क्या इंस्टेंट हो सकता है? दोनों सच है। जैसे मान लो इंस्टेंट हीलिंग फिफ्थ डायमेंशन में नॉर्मेलिटी है, अगर पहली बात तो बीमार नहीं होते, मान लो सपोज आप स्पेसशिप में हो और कुछ एक्सीडेंट हुआ तो इमीडिएटली हील हो सकती है, ऐसे ही एनलाइटेंड है। ये टाइम अगर स्लो है तो हमें हर चीज समय या भविष्य में दिखती है। अगर हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ जाए, हमारे जो सेल है, सेल के अंदर जो एटम रोटेट होता है या फ्रीक्वेंसी है, ये कह रहे हैं कि बहुत तेजी से बढ़ रही है, जब ये और तेजी से बढ़ जाएगी तो हम इवेंट को इमीडिएटली मैनिफेस्ट कर सकते। और दूसरा ये आइडिया कि 10 जीवन के बाद एनलाइटमेंट होगा, ये पुरानी समय है, नए समय में सब कुछ बहुत फास्ट इमीडिएटली भी हो सकता है अगर आपकी कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट करे तो। कल मैंने अपने ग्रुप में, अगर आप टेलीग्राम में हैं, तो छोटा सा मेडिटेशन डाला था, 2 पॉइंट मेडिटेशन है, आप अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। तो उसमें भी ये था कि कैसे अपनी रियलिटी को हम क्रिएट कर सकते हैं, तो उसमें एक यही पॉइंट था कि उस हद तक क्रिएट कर सकते हैं जिस हद तक आपकी कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट करे। एक ये पॉइंट है, तो धीरे धीरे कॉन्शियसनेस पे अपनी कमांड लें। इंस्टेड की दुनिया में सब कुछ अपने आप हो रहा है, ऐसा नहीं है। हमने ये रोल चुना था, इसलिए हम इस समय में पैदा हुए हैं, इस इवेंट का हिस्सा बनने के लिए। तो आगे वाले हिस्से को हम और अच्छा बना लें ताकि दिक्कत कम हो। कोई पॉजिटिव अफर्मेशन जिससे हम अपने आप में इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो, अफर्मेशन तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो, मान लो प्रेम की है अफर्मेशन, तो आप नेट पे ढूंढ सकते हैं। मैं तो कभी कभी रात में, मैं एक अच्छी, मेरे पास एक वेबसाइट है उसमें अफर्मेशन है, तो मैं म्यूजिक बैकग्राउंड में लगा के सारी रात अफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? जैसे मान लो योग निद्रा एक टेक्निक है,
योग निद्रा में हम अपनी बॉडी में अवेयरनेस कई बॉडी के पार्ट में लाते हैं, माइंड थोड़ा सा साइलेंट हो जाता है तो वो थॉट को रोकता नहीं है, तब हम अपने कोई सीड अपने अनकॉन्शियस माइंड में प्लांट करते हैं। परम सत्यानंद जी ने कहा कि कोई भी सीड आप प्लांट करोगे वो मैनिफेस्ट होके रहेगा। तो इस तरह हमें जो भी रिक्वायरमेंट है, तो मैं नाइट में जब माइंड अनकॉन्शियस होता है तो वो सीड उसमें इम्प्लांट होते रहते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब मैं भी तो डरपोक था, मैंने जो सीड इम्प्लांट ही तो किया है कि मैं युद्ध करूंगा बंदूक लेके कोई खड़ा होगा तो मेरी रिक्वायरमेंट कायरता की थी, मैंने वो सीड इम्प्लांट किया। आप अपने हिसाब से अपने सीड कर सकते, अपने आप को देखें, अपने लिए सीड तैयार करें। और एक इस बात में सारी बातें निहित है कि धरती नेक्स्ट डायमेंशन में असेंड हो गई इजिली, आसानी से। हम बाद में उत्साह से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, अरे तो इतना कठिन लगता था ये तो बहुत आसानी से हो गया। ये थॉट इम्पोर्टेंट, हार्ट की एनर्जी। ठीक है सर, आप यहाँ पे आए और इतना बहुत ही अच्छा जो ज्ञान और एक हमको दिया, के लिए आपको दिल से, बाकी दिल से मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सोल ग्रुप जो फैमिली मेंबर्स है उनकी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा।